चलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो देखो, लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर तक बात कर लिया था। अब यहां पर जो आ रहे हैं हम लोग, क्या म्यूटेशन पे आएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्या म्यूटेशन। तो देखो, म्यूटेशन पढ़ने से पहले सबसे पहले जो हम बात करेंगे कि टर्म किसने दिया है। तो टर्म म्यूटेशन अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, ह्यूगो डेविज नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने म्यूटेशन टर्म को क्या है, ये क्वाइंट किया है। अब कब कैसे किया, जब वो किसमें स्टडी कर रहे थे, इवनिंग प्राइमरोज। तो ये ध्यान रखिएगा, इवनिंग प्राइमरोज, जिसका साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम क्या है, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको याद होगा, इवनिंग प्राइमरोज, ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ह्यूगो डेविज, और कहां, जब आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, तो वहां पर भी ये चीज था। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं। और इन्होंने इसके साथ साथ क्या प्रपोज किया, थ्योरी क्या है, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो ये भी आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है कि म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय, तो आप क्या बोलेंगे, ह्यूगो डेविज। क्लियर, म्यूटेशन टर्म किसने दिया, तो आप ध्यान रखिएगा, ह्यूगो डेविज। क्लियर, अब आगे देखिए, इसी म्यूटेशन को क्या है, स्पॉट बोला, किसने, चार्ल्स डार्विन ने। तो ये ध्यान रखिएगा, चार्ल्स डार्विन, बाद में अब आगे हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट क्या आ रहा है, सॉल्टेशन। ये चीज आप कहां, जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीज देखेंगे। सॉल्टेशन जो टर्म क्वाइंट किया था, क्या है, बेटसन ने। के लिए आगे देखिए, लेकिन अब ये सॉल्टेशन का मतलब क्या है। तो सॉल्टेशन अगर हम बात करें तो देखिए क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्लियर, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड सॉल्टेशन। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एंट्रेंस में भी सवाल पूछा जा चुका है इवोल्यूशन से। नेक्स्ट, अब है कि डेफिनेशन हम बात करें कि म्यूटेशन है क्या, तो सर क्या है, सर्डन इनहेरिटेबल चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड म्यूटेशन। क्लियर, अब म्यूटेशन कंटिन्यूअस होता है या डिसकंटिन्यूअस, तो आपको ध्यान रखना है म्यूटेशन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। और म्यूटेशन करता क्या है, म्यूटेशन कॉज वेरिएशन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। अब क्या है, कितने सेल में कितना म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन आपने पढ़ा होगा, क्या है फ्रीक्वेंसी, यहां पर लिखा है 1 × 10⁻⁶। अब 1 × 10⁻⁶ कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे आप देखिए, 1 × 10⁻⁶ हम करते हैं, दैट मीन्स क्या है, 1 × 10⁻⁰⁰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 ⁰
चांसेस ऑफ म्यूटेशन, यहां पर क्या बोलेंगे, चांसेस ऑफ म्यूटेशन, चांसेस। तो वन क्या है, मिलियन, वन मिलियन सेल्स में वन सेल का चांस है कि म्यूटेशन होने होगा, क्लियर। अब आगे देखिए हम बात करते हैं म्यूटेशन, हमने बताया म्यूटेशन क्या कॉज करेगा, म्यूटेशन वेरिएशन कॉज करेगा, इंपॉर्टेंट है, बट किस तरह का, डिसकंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे वेरिएशन जो है वो किस टाइप का होगा। तो एक तो क्या है, आपने पढ़ा था कि क्या होता है, सोमेटोप्लाज्म, प्लाज्म वर्ड आया, दैट मींस फ्लूइड, ठीक है, सोमेटोप्लाज्म दैट मींस फ्लूइड हो गया। अब ये फ्लूइड दैट मींस ये क्या बनाएगा, सोमेटिक सेल, क्या बोलेंगे, सोमेटिक सेल, क्लियर। आइए तो और दूसरा क्या होता है, नेक्स्ट सेल बात करें तो जर्म सेल होता है, ठीक है। तो एक होगा क्या, जर्म प्लाज्म, तो ये क्या बनाता है, मतलब जर्म सेल। यहां पर बात ये आई कि जर्म, बॉडी में दो टाइप का फ्लूइड है, एक क्या है सोमेटोप्लाज्म और दूसरा क्या है जर्म प्लाज्म, जर्म प्लाज्म फॉर्म जर्म सेल, सोमेटोप्लाज्म फॉर्म
सोमेटिक सेल, क्लियर। अब जो वेरिएशन सोमेटोप्लाज्म में होगा सोमेटिक सेल में, उसको हम सोमेटिक वेरिएशन बोल देंगे, और जो वेरिएशन क्या होगा जर्म सेल में उसको हम जर्मिनल वेरिएशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो देखिए वेरिएशन एक क्या हो गया क्या है सोमेटिक, तो आइए तो हम बात करेंगे क्या हो गया एक सोमेटिक वेरिएशन, दूसरा क्या हो गया जर्मिनल वेरिएशन। आइए अब आपको पता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आता है वो किसके फ्यूजन की वजह कर आता है गैमेट, और गैमेट क्या है जर्म सेल, दैट मीन्स वेरिएशन दैट अकर इन जर्म सेल कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन एंड दैट वेरिएशन ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट जनरेशन बात करें तो क्या है मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज करता है फिर क्या बनता है जाइगोट, क्लियर, और जाइगोट आगे फर्दर डेवलप्ड होगा डिवीजन होगा और क्या एक नया इंडिविजुअल बन जाएंगे, क्लियर है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सोमेटिक है तो सोमेटिक बाद में आएगा, ठीक है, आफ्टर बर्थ हम बात करेंगे, क्लियर है। तो सोमेटिक क्या हो गया नॉन इनहेरिटेबल, दैट मीन्स नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये वेरिएशन क्या होगा डेथ ऑफ इंडिविजुअल के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट। अगर मान लीजिए जैसे यहां पर मुझे कट हो गया तो ठीक है, तो ये कट जो है मेरे ऑफस्प्रिंग में नहीं जाएगा, दैट मीन्स नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या है जर्म सेल में वेरिएशन आ जाए तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो जाएगा, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल में कोई वेरिएशन आ जाए। आइए इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने acquired variation, याद रखिएगा acquired variation। अब germinal है अभी बताया germ cell male and female gamete fuse करेगा zygote बनाएगा, तो इसीलिए क्या बोल दिया inheritable variation। now अब देखिए अब यहां पर लिख दिया क्या related to blastogenesis, that means क्या है germ cell, क्या germ cell, ठीक, तो ब्लास्टो जर्म सेल। जेनेसिस अगर बात करें तो क्या हो गया जेनेसिस मींस फॉर्मेशन, क्लियर, जर्म सेल से रिलेटेड। अब देखिए जर्मिनल इज फर्दर डिवाइडेड, जर्मिनल वेरिएशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। अब देखो कंटिन्यूअस वेरिएशन अगर हम बात करें तो क्या होगा वेरिएशन ये जो है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ क्या तो देखो दिस आइए तो इसको क्या बोलेंगे हम कंटिन्यूअस वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या इसमें क्या होता है देखो ध्यान रखिएगा टू इवेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स होता है वन कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स एंड अदर कॉल्ड ये जो गैमेट बना वो फ्यूज करेगा जिसको आप फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, क्लियर, और इसको और क्या बोलेंगे फर्टिलाइजेशन दैट मींस सिंगेमी, अदर नेम ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट इज कॉल्ड सिंगेमी, ध्यान रखिएगा ये बात। तो ड्यूरिंग द गैमेट प्रायर टू द गैमेट फॉर्मेशन गैमेट बनने से पहले तो क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस, क्लियर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूअस वेरिएशन किसका पार्ट है जर्मिनल वेरिएशन का, और वो किसकी वजह कर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट होने से पहले क्या होगा मियोसिस फर्स्ट, क्या बोला मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल से आपका सवाल पूछा जाता है तो आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या कि आपसे पूछेगा क्रॉसिंग ओवर कब होता है किस स्टेज में होता है, तो आप तो पहले तो क्या बोलिएगा प्रो
प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। अब प्रोफेज फर्स्ट के पेकाइटिन स्टेज पे, क्या पेकाइटिन स्टेज पे होगा, क्लियर, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार लाइक अब क्या है, बारिश, बारिश की तरह आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, इतनी बार पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर कब होता है, प्रोफेज फर्स्ट ऑफ पेकाइटिन स्टेज, आगे हम आपको बताएंगे क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा। तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर। आइए तो ये था, अब नेक्स्ट हम बात करें डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, अब मतलब कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, तो म्यूटेशन, क्या बोलेंगे, म्यूटेशन। तो देखिए डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ड्यू टू म्यूटेशन सडन रैंडम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, तो इसी चीज को हमने ऊपर बताया था, डार्विन ने क्या बोला, स्पॉट्स, एस लगा लीजिएगा, ठीक। और ह्यूगो डेब्रिज ने क्या, सॉल्टेशन को क्या बोला, ऊपर हमने आपको बताया था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे, लेकिन ये सारी बातें जो हमने किया तो ये तो क्या था, क्रेडिट किसने क्या बोला कहां पर बोला, ठीक है। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्या, मेंडलिज्म, ठीक है, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। आइए ठीक है, चलो ठीक है, देखो क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ क्या है, म्यूटेशन गोज टू क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन, क्या है, थॉमस हंट मॉर्गन को क्रेडिट जाता है, क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ म्यूटेशन किसको, थॉमस हंट मॉर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए अगर हम बात करें मॉर्गन क्या कहां देखा, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाइट आई, इन्होंने रेड आइड कलर ड्रोसोफिला में क्या देखा, व्हाइट आइड कलर क्या देखा, ड्रोसोफिला, और इसका जीन कहां पाया जाता है, इसका जीन जो है कहां, एक्स क्रोमोसोम, तो ये क्या हो गया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्या हो गया, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। अब यहां पर सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, यहां पर जीन होगा तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव, तो यहां पर हम आपको आगे बता रहे हैं, तो देखिए क्या लिखा है, जीन ऑफ रेड आई इज डोमिनेंट ओवर द जीन ऑफ व्हाइट आईड, दैट मीन्स इसको आप डोमिनेंट है ना रेड आई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, प्लस से, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। आगे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं क्या है, देखिए इसी तरह आप क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोला तो यहां पर मेल होगा और फीमेल होगा, क्लियर, मेल और फीमेल, तो मेल हम बात करें तो मेल के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा, और क्या होगा, क्या है, एक्स पॉजिटिव वाई, एक्स डब्ल्यू वाई, That means ये रेड हो गया और ये क्या हो गया, व्हाइट हो गया, क्लियर। इसी तरह तो यहां पर आपको पता है कि मेल में क्या कंडीशन आता है, हेमीजाइगस, दैट मीन्स पेयर में जो क्रोमोजोम है उसके किसी एक क्रोमोजोम के ऊपर वो एलील पाया जाएगा, तो वैसे कंडीशन को हम हेमीजाइगस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो जीन है वाई पे नहीं पाया जा रहा है, सिर्फ एक्स पे पाया जा रहा है, तो इसीलिए हेमीजाइगस, और यहां पर क्या आएगा, होमोजाइगस, इज दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस रेड आइड, और ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस रेड आइड हो जाएंगे, क्लियर।
अब देखो यहां पर अब रेसेसिव है तो रेसेसिव के लिए होमोजाइगस हेटरोजाइगस बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। आइए अब यहां पर क्या है, यहां पर जो म्यूटेशन, आगे देखिए जब हमने म्यूटेशन पढ़ा था वहां पर हमने मुलर के बारे में बात किया था, ठीक है। तो ये जो मुलर नाम के साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या एक्टिनो बायोलॉजी, क्या एक्टिनो बायोलॉजी के बारे में बताया था। तो देखो एक्टिनो बायोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑन, स्टडी ऑफ इफेक्ट तो देखिए तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्स सॉरी हां सही तो था एक्सरे ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक ऑर्गेनिजम्स, तो ऑर्गेनिज्म पे एक्सरे का जो स्टडी था उस पे ये चीज देखा था, क्लियर है। आइए तो इन्होंने क्या है, मुलर इंट्रोड्यूस्ड म्यूटेशन इन ड्रोसोफिला विद द हेल्प ऑफ एक्सरे, वही बात है ना, उसी को हमने बता दिया। उनके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिनोबायोलॉजी। किसने इंट्रोड्यूस किया था, मुलर ने। अब देखो जी क्या है, क्रोमोजोम डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट होगा जहां पर म्यूटेशन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसी तरह क्या होता है, एक होता है रिकॉन, ठीक है। दैट मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। मतलब क्रोमोजोम के वो पार्ट जहां पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्रॉसिंग ओवर, क्लियर है। आइए अब और क्या है, आप ये चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूटेशन कैन अराइज ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, कुछ कुछ फैक्टर हैं जिनकी वजह कर, अब देखो जेनोमेटिक म्यूटेशन क्या है, जेनोमेटिक अगर बात करें तो ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर। आइए नेक्स्ट हो गया क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें, ठीक है। अब क्या है, जीन म्यूटेशन, तो देखो जीन म्यूटेशन क्या है, पर्टिकुलर जीन जो सेगमेंट है उसमें चेंजेस आ जाए, इसको पूरा आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट आते हैं, क्लियर। उसी चीज को हम आगे, तो देखो सबसे पहले हम जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड क्रोमोसोमल एबरेशन, मतलब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो एबरेशन का मतलब एबनॉर्मलिटीज चेंजेस, ध्यान रखिएगा। और किसके अंदर, क्रोमोसोम, ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए यहां पर बात है कि क्रोमोसोम क्या होता है, पेयर में होता है, होमोलोगस नॉन होमोलोगस, ठीक है। मतलब अगर गैमेट फ्यूज हो रहा है तो क्या है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, तो हाफ सेट कौन मेल गैमेट लेके आता है और हाफ सेट कौन लेके आता है, फीमेल गैमेट, और ये फ्यूज होकर के क्या होते हैं, पेयर में आ जाते हैं, हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड, क्लियर। अब देखिए इंट्रा क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अगर एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे इंट्रा, और टू डिफरेंट क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है तो इंटर, क्लियर। तो देखिए एक तो क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या है, डेफिशिएंसी, डिलीट हो रहा है ना, कम हो रहा है, क्लियर। इनवर्जन उल्टा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर यहां हम बात करें, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जैसे ऐसे देखो ना, ये एरो पहले ऐसे था, अब यही चीज क्या हो गया, ऐसे हो गया, क्लियर। तो इसको क्या बोल दिया, इनवर्स कर रहा है, उल्टा, इनवर्जन, क्लियर। इसको आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद डायग्राम, क्लियर। आगे देखिए क्या है, इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन, तो ये किस, यहां पर कौन कौन सा होगा, डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट कर गया, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन ट्रांसलोकेट मतलब जगह बदल रहा है, क्या बदल रहा है, जगह, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें,
तो यहां पर देखिए ट्रांसलोकेशन अगर हम बात करें तो इन सबको पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए चलिए नेक्स्ट क्या हो गया, जेनोमेटिक म्यूटेशन। अब जेनोमेटिक अभी बताया था, यहां पर देखो अब यहां से पूरा एक्सप्लेन करने चल रहे हैं हम, क्या है एनोप्लॉइडी। क्लियर, एनाप्लॉइडी। एनाप्लॉइडी कहने का मतलब क्या हो गया, चेंज इन, हां एनाप्लॉइडी भी दो तरीके का होगा, ठीक है। तो आप जो है ना क्या है जेनोमेटिक म्यूटेशन, तो जेनोमेटिक म्यूटेशन हम बात करना शुरू करें, दैट मीन्स क्या हो गया जेनोमेटिक में एनाप्लॉइडी। क्लियर, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है यहां पर नंबर छूट गया। क्लियर, तो देखो आपने पढ़ा होगा ये क्या है क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, तो इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या होता है इनके, क्या होता है सिम्टम्स, क्या होते हैं इनका, कैरियोटाइप क्या होता है, ये सारी चीजें। तो आप थोड़ा सा हम यहां पर बता रहे हैं हमने क्या लिखा, चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम। आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम का मतलब एलोजोम, क्या हो जाएगा एलोजोम। आगे देखिए तो यहां पर क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, दैट मीन्स मेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम फीमेल, तो यहां पर एक्स्ट्रा एक्स आ गया। यहां देखो 44 प्लस एक्स नॉट, दैट मीन्स क्या हो गया फीमेल में लॉस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम हो गया। क्लियर, सुपर फीमेल, ठीक है। यहां पर क्या होगा 44 प्लस तो देखो क्या हो गया, मतलब एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल, ठीक। अब ये क्या है जैकब्स सिंड्रोम है, इसको हम सुपर मेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा बात करें तो 44 प्लस एक्स वाई वाई, क्लियर, एडिशनल वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट चेंज इन ऑटोसोम, अदर देन सेक्स क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे ऑटोसोम। यहां देखिए आप हम अगर बात करें तो ये क्या है ह्यूमन है, क्लियर, ह्यूमन, ह्यूमन का हम कैरियोटाइप लिखें तो देखो ये फीमेल है, तो क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना और ये पार्ट, इसको ऐसे लिखते हैं 2a प्लस एक्स एक्स, तो ये जो पार्ट है ये, इसी को हम बोलते हैं ऑटोसोम। क्लियर, और ये क्या हो गया पार्ट सेक्स क्रोमोसोम। अब इसी तरह हम बात करें ह्यूमन मेल, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स
तो ये हो गया ऑटोसोम, इसको 20 ऐसे 2A लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा सेक्स क्रोमोसोम प्लस एक्स वाई, क्लियर ये चीज। तो आ जाइए, तो अब देखो क्या है डाउन सिंड्रोम, तो आपको पता होगा डाउन सिंड्रोम क्या, ये मेल में भी हो सकता है फीमेल में भी, मतलब जो भी है चेंज इन ऑटोसोम तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है। इसमें क्या होता है ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, आगे हम पूरा बात करेंगे ठीक है। अब देखो हमने जब आगे आप जब सेक्स लिंग पढ़ा था तो वहां पर भी बात किया था कि जैसे ये देखिए ये एक्स और ये वाई, क्लियर। तो यहां से देखो ये क्या हो गया नॉन नॉन होमोलोगस, ये भी क्या हो गया एक्स का नॉन होमोलोगस, मतलब अलग अलग पार्ट, यहां पर जो जीन पाया जा रहा है वो एक्स पर वाई पे नहीं पाया जा रहा है एक्स वाला, और यहां पर वाई पे जो पाया जा रहा है वो एक्स पे नहीं, और ये जो पार्ट हो गया यहां से यहां तक ये क्या हो गया होमोलोगस, क्लियर। तो ये देखिए, तो इसीलिए बताया क्या है वाई लिंक्ड, तो टीडीएफ, तो याद रखिएगा टीडीएफ का मतलब क्या है टेस्टिस डिटर माइनिंग फैक्टर, और इसके लिए जो जीन होता है वो कहां पर पाया जाता है नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ वाई क्रोमोसोम, क्लियर। आइए देखिए हाइपर ट्राइकोसिस से हमें किसको किसके बारे में याद आता है डॉक्टर, सॉरी डॉक्टर बोल रहा हूं लालू प्रसाद याद आता है, एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन एक्सटर्नल ईयर पिन्ना पे क्या होगा हाइपर ट्राइकोसिस, एक्स्ट्रा हेयर, एक्स्ट्रा हेयर ऑन पिन्ना, ठीक। अब क्या है एक्स वाई लिंक्ड, मतलब ये वाले पार्ट पे, क्लियर है। तो क्या हो जाएंगे टोटल कलर ब्लाइंडनेस, और ये इंपॉर्टेंट नेफ्राइटिस, आपके एंट्रेंस में एक बार सवाल पूछा जा चुका है कि नेफ्राइटिस कैसा है, एक्स लिंक्ड है वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है या एक्स वाई है, तो क्या है एक्स वाई लिंक्ड, दैट मीन्स इनका जीन किस पे पाया जा रहा है वाई क्रोमोसोम के एक्स वाई के नो ये सॉरी होमोलोगस पार्ट पे। तो नेफ्राइटिस क्या होगा आईटिस मीन्स इन्फ्लामेशन, नेफ्रॉन में इन्फ्लामेशन, तो ये उतार लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक देख लिया, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये देख लो भाई उतार लिया है ना, अब देखो पहले हम लोग मेन मेन बात कर ले रहे हैं। देखो अगला क्या है जीन म्यूटेशन, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन में अब हम बात करेंगे कि जीन जीन आपको पता है क्या है, अगर आप बात करें तो देखो इधर अगर ये हमने क्रोमोसोम बताया, ठीक है, तो अब यहां पर क्या है इस तरह से ऐसे ऐसे जीन लोकेट होगा, क्लियर। तो जीन हम बोलते हैं क्या है स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस पर्टिकुलर कैरेक्टर, क्लियर। तो अब क्रोमोसोम कैसा होगा ऑटोसोम भी हो सकता है, क्रोमोसोम कैसा होगा एलोसोम भी हो सकता है, ठीक है, दैट मींस सेक्स क्रोमोसोम या अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, क्लियर। तो देखिए अब यहां पर क्या है, अब हम उसमें अब जीन एक मिनट, अगर क्रोमोसोम क्या है ऑटोसोम है, क्लियर, या क्रोमोसोम कैसा है एलोसोम है। अब ऑटोसोम पे भी अगर जो जीन लोकेट हो रहा है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ठीक, उस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर क्या है
ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन, क्लियर, ऑटोसोमल जीन म्यूटेशन। अब ऑटोसोमल जीन, जीन क्या था, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसका फॉर्म क्या था, एलील, और एलील डोमिनेंट होता है और रिसेसिव होता है, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन। अब यहां पर सिर्फ हमने एग्जांपल लिखा है, ठीक है। तो ये एग्जांपल जो हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको एग्जांपल याद रहना चाहिए, क्योंकि ये पेडिग्री एनालिसिस में हेल्प करेगा। मान लीजिए कोई एक पेडिग्री एनालिसिस आपको दे दिया, ठीक है। अब वहां पर आपसे पूछ दिया कि ये पेडिग्री एनालिसिस किसको शो कर रहा है, एल्केप्टोनूरिया को शो कर रहा है, एल्बिनिज्म को शो कर रहा है, या क्या बात करें हम तो फेनाइल थायो कार्बामाइड को शो कर रहा है। इस पे सवाल भी आपके एम्स में पूछा जा चुका है, ठीक। तो यहां से अब हमें टेंशन में नहीं आना है कि एल्केप्टोनूरिया क्या है और फेनाइल थायो कार्बामाइड क्या है, हमें तो पता है। हमें तो सिर्फ पेडिग्री पे ये देखना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। तो जैसे हमने पहचान लिया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो डोमिनेंट वाले एग्जांपल को ढूंढ लेंगे ऑप्शन में से, क्लियर, इसलिए बता रहे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव तो क्या है, एल्केप्टोनूरिया, पूरा एक्सप्लेन करेंगे आगे, एल्बिनिज्म, ठीक है, फेनाइल केटोनूरिया, ये सब मेटाबोलिक, इनबॉर्न मेटाबोलिक डिसऑर्डर, क्या है, टेशेक डिजीज हो गया, गॉचर्स डिजीज हो गए, सिकल सेल एनीमिया, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक, और क्या है, थैलेसेमिया, तो इसको नहीं पढ़ा है, पढ़ेंगे, सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पहले पढ़ लिया है, और विल्सन्स डिसऑर्डर, इसके बारे में नाम याद रखेंगे और थोड़ा एक दो लाइन बात करेंगे, ज्यादा नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, और एनाफेलमिया, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन आ गया, क्या, डोमिनेंट, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल हैं, क्या है, क्या, एकाइंड्रोप्लेजिया हो गया, पॉलीडेक्टाइली, ठीक है, और ब्रैकीडेक्टाइली, हंटिंगटन कोरिया, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बेसिस पे आपके पेडिग्री एनालिसिस पे एग्जांपल देकर के पूछा हुआ है, ठीक है। चार ऑप्शन दिया और बोला कि कौन सा डिजीज को पेडिग्री एनालिसिस शो कर रहा है, तो हमें क्या देखना है, पहचानना है ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर है या नहीं है, क्लियर। तो फिर हम सीधे ऐसे टिक लगा देंगे, आइए, क्या है, एनिरिडिया, और क्या है, तो देखो ये क्या है, वुली पेयर नहीं है, सॉरी हेयर कर लीजिएगा, ठीक है, हेयर, ठीक, और क्या है, नेफ्रोफाइब्रोमेटोसिस हो गया, और क्रॉन टूथ डिसऑर्डर हो गया या डिस्ट्रॉय, और फेनाइल, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे अब लिख करके, ठीक है, आगे, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, ये एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये तो मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, ध्यान रखिएगा, और क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन, एक और आएगा, क्या है, डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव, क्लियर, और क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी क्या हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये आपके एनसीईआरटी में पेडिग्री एनालिसिस में एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात कर रहे हैं, देख लिया, आगे देखिए क्या है, सेक्स लिमिटेड जीन बात कर रहे हैं, तो जीन म्यूटेशन, सेक्स लिमिटेड, सॉरी, सेक्स लिंक्ड जीन म्यूटेशन बात करेंगे, तो एक्स लिंक्ड हो गया। अब एक्स लिंक्ड हम बताए ना, जो क्रोमोसोम, जो जीन क्रोमोसोम नंबर एक्स पे पाया जा रहा है, ठीक है, अब वो जीन डोमिनेंट भी हो सकता है और वो रिसेसिव भी हो सकता है, तो हम रिसेसिव बात कर रहे हैं। ये सारी बातें हमने कर लिया है, कलर ब्लाइंडनेस भी कर लिया, हेमोफीलिया पढ़ चुके हैं, ठीक, और ये सिर्फ आप नाम ध्यान रखिएगा, क्या है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, इसमें डिटेल में नहीं जाना, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ऑप्टिक क्या है, एट्रोफी, मतलब ऑप्टिक नर्व का एट्रोफी, ठीक है, लॉस ऑफ सेंट्रल इंसीजर, ठीक है, तो इंसीजर क्या है, आपको पता है इंसीजर केनाइन प्रीमोलर मोलर टीथ का टाइप है, हाँ आ गया, देखो देखो बच्चों, ठीक है, क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन क्या हो गया,
मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या हो गया? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आपको परेशान कर देगा ऑप्शन में देकर के। क्लियर, आगे देखिए फिर क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, पूरा हमने बात किया था इसके बारे में कि ये क्या होता है रिस्पॉन्सिबल, ये क्या होता है, ये एंजाइम है और ये किस चीज के लिए, आरबीसी के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने, मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। इनकी कमी की वजह कर क्या होता है, हेमोग्लोबिन है जो क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जिसकी वजह कर क्या होता है, हेमोलाइसिस। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करें, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक, डायरेक्ट आपके क्या है एंट्रेंस में वही पेडिग्री सेम या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देगा कि आपको क्या है फादर ये हैं, मदर ये हैं, उनके ऑफस्प्रिंग क्या आएंगे बताइए, ठीक है, और दे देगा कि डिफेक्टिव टूथ इनेमल, तो आपको क्या याद रखना है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट याद रखना है। क्लियर, आगे चलते हैं, देखो अब क्रोमोजोमल एबरेशन आ गए, क्या हो गए, क्रोमोजोमल एबरेशन। अब देखो क्रोमोजोमल एबरेशन में हम बात करें तो क्या है, इंट्रा क्रोमोजोमल एबरेशन बताया था ना, विद इन अ क्रोमोजोम होगा तो इंट्रा क्या है, इंट्रा क्रोमोजोमल एबरेशन, दो क्रोमोजोम के बीच में हुआ तो इंटर क्रोमोजोमल एबरेशन बोलेंगे, ठीक है, एबरेशन बताया था स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है तब बोल रहे हैं, ठीक। तो देखो चेंज इन सिंगल क्रोमोजोम, क्या इंपॉर्टेंट बात, सिंगल और इससे रिलेटेड, क्लियर, आइए तो डिलीशन और डेफिशिएंसी, क्लियर, तो लॉस ऑफ अ पार्ट, ठीक है, और सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स व्हिच लेड्स टू द लॉस ऑफ सम जीन या जीन्स, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, क्लियर। तो देखो यहां पर दो टाइप का होगा, ठीक, और भी होगा, बात करें हम तो देखो टर्म आपको पता है, टर्मिनल मतलब इंड से जा रहा है और इंटर कैलरी मतलब इन बिटवीन जा रहा है, क्या बोलेंगे, टर्मिनल मतलब क्या, टिप से जा रहा है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, ऐसा करो, आइए ऐसे बना देते हैं, तो देखो ठीक, तो ये अब ये क्या एक क्रोमोजोम है, ये आपको पता है ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, और ये क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो देखो अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, ठीक है, तो 1-2 चला गया, ठीक, ब्रेक हो गया, दैट मीन्स ये पार्ट क्या हो गए, ब्रेक हो गए, क्लियर। तो फिर क्या हो गया, टर्मिनल से हुआ तो इसको बोल दिया हमने क्या, इंट्राकैलरी। नेक्स्ट देखो, ठीक है, तो क्या लिखा, लॉस ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट फ्रॉम वन या बोथ एंड, अब इसको ऐसे दिखा दो अगर आप चाहें तो, ये तो इस डायरेक्शन में हुआ, दूसरा हम ऐसे दिखा दें, ये तो दोनों साइड से चला गया तो ये हो गया, एक साइड से गया तो ये हो गया, क्लियर। तो देखो अब नेक्स्ट इंटर कैलरी, अब ये क्या करेंगे हम,
तो क्या बोल रहा है, लॉस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन एंड, ठीक है एंड, तो क्या करेंगे बिटवीन एंड, तो बताओ एंड कौन सा हो गया, ये क्या हो गया सेंट्रोमियर हो गया, तो एंड क्या हो जाएगा बोलो क्या करेंगे जल्दी, अरे ये हुआ ना पूरा, तो ऐसे कर दो वन टू फाइव सिक्स सेवन एट, ठीक, तो कौन सा पार्ट गया ये पार्ट चला गया, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो चलो अब देखो, ठीक है अब एक एग्जांपल दे रखा है, क्या है क्राई डू चैट, ठीक है सिंड्रोम या कैट क्राई सिंड्रोम, मतलब ये जो बेबी है ना क्या है बिल्ली की तरह, जब क्या रोते हैं तो उनकी आवाज जो रोता है तो उनकी आवाज क्या है बिल्ली की तरह निकलती है, तो क्राई डू चैट, ये होता क्या, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस में, तो ध्यान रखिएगा, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर फाइव, शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर फाइव, क्या है शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोजोम नंबर फाइव, तो ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट। आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करें, ये उतार लें जब तक, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं। चल उतार लिया, तो देखो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो क्या है इन्वर्जन आ रहा है, क्या बात करेंगे इन्वर्जन, तो हमने अभी आपको बताया था जैसे ये मेरा हाथ है तो अभी आपको क्या है इधर दिख रहा है, अब यही चीज क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है इन्वर्जन का मतलब, क्लियर कोई दिक्कत नहीं, आइए तो देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेकिंग ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, सेगमेंट तो ब्रेक हुआ इस पे ध्यान दीजिएगा ब्रेकिंग, बट क्या ध्यान रखना है रीयूनियन, आगे सुनिए क्या, सेम क्रोमोसोम लेकिन किस फॉर्म में इनवर्स फॉर्म में, क्लियर, क्रोमोसोम सेगमेंट ब्रेक करेगा और उसका दोबारा से वो उसी क्रोमोसोम पे लग जाएगा लेकिन इनवर्स ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर में, ठीक। अब यहां पर जो चीज है इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है तो पहले देखिए, तो इससे क्या होगा, पहले हम ये लाइन पढ़ने से पहले हम आपको पहले ये बात करें, ये दो पार्ट का है, दो पार्ट मतलब पैरासेंट्रिक और क्या है पेरीसेंट्रिक, पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ इनवर्जन अकर ओनली इन वन आर्म, ठीक है एंड इन्वर्टेड सेगमेंट क्या है सेंट्रोमियर को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, क्लियर, तो इसको देखो कैसे समझेंगे, ये हो गया, तो ये जो पार्ट हो गया क्या हो गया सेंट्रोमियर हो गया, अब ये पार्ट एक आर्म हो गया और ये पार्ट एक आर्म हो गया, वन टू थ्री फोर, अब ये बार बार वन टू थ्री फोर हम क्या किसको शो कर रहे हैं जीन को, फाइव सिक्स सेवन एट, क्लियर, अब यहां से देखिए क्या, ठीक आया समझ में, दैट मीन्स सेवन की जगह एट और एट की जगह सेवन आ गया, ये भी कर सकते हो आप, या फाइव की जगह सिक्स और सिक्स की जगह सेवन कर दो, वन की जगह टू, टू की जगह वन को कर दो,
तो ये हुआ इनवर्स। लेकिन किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ? सेंट्रोमियर का। अब ये सेंट्रोमियर का इन्वॉल्वमेंट ना होने का मतलब क्या है, ये देखिए, नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, इन्वर्टेड सेगमेंट इन्वॉल्व सेंट्रोमियर। क्या इन्वॉल्व कर रहा है? सेंट्रोमियर। तो देखो इधर, क्लियर? तो अब यहां पर हम क्या बात करें, देखो यहां पर क्लियर है ये पार्ट पूरा, ऐसे देखिएगा ये है ना, ऐसे आ गया, ठीक है। तो देखो क्या, वन टू, इस पूरे को ऐसे सोचो, ऐसे गया, तो ये यहां पर सिक्स, यहां पर फाइव, ठीक है, फोर, और ये क्या आ गया थ्री, और ये सेवन, और ये एट, पूरा का पूरा उल्टा हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा फिंगर है, ठीक है, तो ये क्या है, थ्री है, ऐसे देखो हम बात करें, ये थ्री है, ये फोर है, थ्री फोर, तो ये पूरा हाथ ऐसे कर रहे हैं, तो थ्री इधर आया, फोर इधर आया, ठीक है, फाइव इधर आया, सिक्स इधर आ गया, क्लियर ये चीज। तो इसको बोलेंगे इन्वॉल्वमेंट किसका हो गया, सेंट्रोमियर। इनवर्स जो जीन सेगमेंट हो रहा है उसके साथ, इधर का भी इधर का भी, तो सेंट्रोमियर। पैरासेंट्रिक मतलब एक ही आर्म में इन्वर्जन होगा, पेरी सेंट्रिक मतलब दोनों आर्म, एक आर्म का दूसरे आर्म पे, दूसरे आर्म का दूसरे आर्म पे, ठीक है, इसका इधर, इधर का इधर, क्लियर है। बीच में कौन आ गया, सेंट्रोमियर। ये अब देखिए, अगर हम बात करें तो यहां पर हुआ क्या, अगर मान लीजिए एक ही क्रोमोसोम, अब आपने लिंकेज पढ़ा है, ठीक है, लिंकेज का मतलब क्या हुआ, लिंक्ड जीन बात करें तो सेम क्रोमोसोम पे जो जीन लाई करता है उसको लिंक्ड जीन बोलते हैं। तो लिंकेज आपने पढ़ा था ना, देखो इधर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन, ठीक है। तो लिंकेज जो है, जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा लिंक्ड जीन के बीच में, उतना कम लिंकेज होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा लिंकेज, क्लियर। अब देखो क्या है, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन ड्यू टू इनवर्जन, ड्यू टू इनवर्जन क्या होगा, चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोजोम और सीक्वेंस ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, सो क्रॉसिंग ओवर अफेक्टेड एंड लिंकेज इज ऑल्सो अफेक्टेड, ठीक, क्यों, अब ये चीज जो लिखा था तो देखो यहां लिखे क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक, जीन के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा चांसेस किसका होगा, क्रॉसिंग ओवर। अब देखो पहले में वन टू थ्री फोर अगर हम बात करें, या सिक्स सेवन, अगर ये सिक्स सेवन लिंक्ड है तो आप देखो क्या हो गया, सिक्स और सेवन दूर चला गया तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, लिंकेज भी डिस्टर्ब हो गया, ये दोनों आपस में लिंक्ड था, ठीक है, तो इनका डिस्टेंस ये था, लेकिन अब देखो डिस्टेंस क्या है ये, तो क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज दोनों डिस्टर्ब हुआ, क्लियर। आगे देखिए तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सवाल ऐसे ही पूछेगा, क्या इनवर्जन लिंकेज को डिस्टर्ब करता है, क्रॉसिंग ओवर को डिस्टर्ब करता है, हाँ करता है, कैसे करता है वो आप देख रहे हैं।
आइए नेक्स्ट, अब हम इंट्रा के बाद बात करेंगे इंटर, क्या इंटर। तो इंटर क्रोमोसोमल एबरेशन बताया क्या होगा, दो क्रोमोसोम के बीच में क्या बोलेंगे, क्या है, चेंज इन टू क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो एक डुप्लीकेशन हो गया। अब यहां पर देखना है, दो क्रोमोसोम बोला तो हो सकता है कि दोनों क्रोमोसोम आपस में जो पेयर में है वो होमोलोगस होगा या नॉन होमोलोगस होगा। तो होमोलोगस आप किस सेंस में बोल रहे हैं, तो पेयर में वो दो क्रोमोसोम जो स्ट्रक्चरली फंक्शनली क्या हो, सिमिलर हो। अगर स्ट्रक्चरली फंक्शनली सिमिलर नहीं होंगे तो उसको नॉन होमोलोगस बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेशन, ये सवाल बनेगा, डुप्लीकेशन चेंज इन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अकरेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट ट्वाइस ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक। अब देखो ट्वाइस, अब यहां पर जो ये पॉइंट लिखा है इसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं ये पॉइंट। लेकिन ये पॉइंट एक्सप्लेन करने से पहले आप इसको आगे देखिए, डुप्लीकेशन, पहले हम डायग्राम बना लें। देखो यहां पर, अब जैसे मान लो कि ये क्या था, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, सेंट्रोमियर हो गया, ये एक आर्म हो गया, ये एक आर्म हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। ये तो देखिए हुआ क्या, क्लियर। अब देखो यहां से बात करें हम, ठीक, तो देखिए यहां पर क्या है, पूरा का पूरा सेट क्या हो गया, डुप्लीकेट। अब यहां से आप ये समझिएगा, अगर क्या है, ये हम बात करें, तो देखो जैसे ये और ये, या कोई एक मान लो, ये इसी के बारे में मान लो, आप इसको बोल लो, ये देखो, चलिए, तो ये वाला पार्ट आ गया, ठीक। तो ये जो देख रहे हैं इसको आप क्या है, ये जो पार्ट है रिसेसिव। तो आपको पता है ना, एक पार्टिकुलर एलील जो है वो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता पर एक्सप्रेस नहीं करता। एक्सप्रेस कब करता है, जब वो पेयर में आता है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर तो एक ही क्रोमोसोम है और एक ही एलील है, तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा है लेकिन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। लेकिन हुआ क्या, अब इसका डुप्लीकेशन हो गया, क्या हो गया, डुप्लीकेशन। तो देखो समझ में आ रहा है, ये इसको हम एक एग्जांपल लेके चलें। जैसे देखिए, आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा ना, HBS क्या है, रिसेसिव एलील हो गया, ठीक। अब ये क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, सिकल सेल RBC, लेकिन अभी एक्सप्रेस नहीं। लेकिन अब देखो क्या हो गया, एक ही क्रोमोजोम पे क्या आ गया, HBS, और यहां पर भी HBS, इन दोनों को मिला करके क्या लिख दो,
मैं सिर्फ समझाने को बोल रहा हूं, ये नहीं कि क्या है सिकल सेल एनीमिया, एक क्या है डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, नहीं, ठीक है, समझाने को, अगर क्योंकि यहां से आप अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सिकल सेल एनीमिया ये कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव लीथल जीन डिसऑर्डर, इसीलिए यहां जो लाइन लिखा है मैं उसको आपको समझाना चाह रहा हूं, ठीक। तो देखो रिसेसिव था, एक्सप्रेस यहां पर नहीं कर रहा था, डुप्लीकेशन हो गया, होमोजाइगस कंडीशन आ गया, कैसा कंडीशन आ गया, होमोजाइगस, ठीक। और ये है क्या, लीथल जीन, कैसा है लीथल जीन, और आपको पता है लीथल जीन तो देखो हमने बताया लीथल जीन जो है वो एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मतलब लीथालिटी जो कॉज करता है वो होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि लीथल जीन रिसेसिव होता है, ठीक है, रिसेसिव और डोमिनेंट दोनों होता है, मोस्ट ऑफ केस में रिसेसिव होता है, लेकिन लीथालिटी जो कॉज कर रहा है वो होमोजाइगस कंडीशन में लीथालिटी। क्लियर ये चीज। अब देखो वही बात क्या है, ये चीज अब लिखा है, इफ इन दिस सेगमेंट एनी रिसेसिव जीन इज प्रेजेंट, तो वो क्या हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन आ जाएगा और एक्सप्रेस हो जाएगा, देन इट गिव्स इट्स एक्सप्रेशन ड्यू टू द होमोजाइगस कंडीशन, इंपॉर्टेंट। अब देखिए वही चीज क्या बोला, इफ इन दिस सेगमेंट एनी रिसेसिव लीथल जीन इज प्रेजेंट दैट्स लीड्स टू डेथ ऑफ इंडिविजुअल, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो आपने ध्यान रखा था क्या है, डुप्लीकेशन होमोजाइगस, सॉरी डुप्लीकेशन क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम में देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट जो होगा वो ट्रांसलोकेशन, वो किसमें देखेंगे, ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में, क्लियर। तो आइए अब देखो क्या आ गया, ट्रांसलोकेशन हम बात करें, तो देखो नाम ही से पता चल रहा है, ट्रांसलोकेशन मतलब लोकेशन, लोकस पोजीशन क्या है, चेंज हो रहा है, ठीक। तो यहां पर देखिए क्या, अ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम इज ब्रोकन एंड मे बी ज्वाइंट, ठीक, विथ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम आपने पढ़ा था क्या होता है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर पेयर में क्रोमोसोम, और ये क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा, स्ट्रक्चर फंक्शन अलग होंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है नेक्स्ट, हम बात करेंगे जो यहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, इधर से उधर जा रहे हैं, दैट मींस एक्सचेंज ऑफ क्या, जेनेटिक मटेरियल, सॉरी एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट हम बात करेंगे, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम से दूसरे जब तरफ जा रहा है, तो आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा था ना, क्या है, एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट बिटवीन क्या है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, लेकिन ये नॉन होमोलोगस है, इसीलिए क्या बोलेंगे, इलीगल क्रॉसिंग ओवर और इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में सवाल बनता है कि ट्रांसलोकेशन ऑल्सो नोन एज इलिजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर और इलीगल क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है, होमोलोगस लेकिन सॉरी होमोजाइगस, लेकिन ये क्या है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो ये भी जो है कितने टाइप का बात कर रहे हैं, एक सिंपल ट्रांसलोकेशन, तो आप पहले डेफिनेशन देख लीजिए, व्हेन अ क्रोमोसोमल सेगमेंट क्या है, ब्रेक्स एंड अटैच टू द टर्मिनल एंड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। तो देखिए इसको हम ऐसे बनाएंगे,
एट, ठीक है। तो ये पेयर में क्रोमोसोम, अब यहां पर ऊपर 1 2 3 हमने दिखा दिया और नीचे एबीसीडी, इसका मतलब सिर्फ ये दिखाने का है कि ये अलग सेट है और ये अलग सेट है जीन का, ठीक है। तो मतलब ये दोनों आपस में नॉन होमोलोगस है, ठीक है। तो अब यहां देखिए इसके साथ क्या होगा, तो ये देखो इसका पार्ट यहां से ये ब्रेक हुआ और यहां आकर लग गया, क्लियर, ट्रांसलोकेट कर गया, दूसरे पार्ट पे चला गया, ठीक, दूसरे क्रोमोसोम, क्लियर है। तो इसको आप क्या बोलिएगा, सिंपल ट्रांसलोकेशन। क्या लिखा था ये ध्यान रखिएगा, टर्मिनल एंड पे जाके लगेगा, क्लियर। अब इंटरस्टिशियल आपको पता है क्या होता है, इन बिटवीन होता है, ठीक है। तो देखिए इंटरस्टिशियल या शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, क्लियर। तो इफ अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड गेट इंसर्टेड इन इंटरस्टिशियल पोजीशन ऑफ अ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, हमेशा याद रखिएगा ट्रांसलोकेशन किसके बीच में, नॉन होमोलोगस। तो अब इसको आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही बनाएं, ये हो गया। तो देखिए अब क्या होगा, अब यहां से हम क्या करें, ये पार्ट, ठीक है, और इसको कहां लेके आ रहे हैं, यहां, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, वन टू थ्री, अब फोर, फिर उसके बाद क्या है, सेवन एट, तो देखिए यहां पर आ गया, बीच में आकर के लग गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल और शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, क्लियर। अब देखिए ये आपको याद रखना है, पोजीशन क्या रहेगा, इन बिटवीन, क्लियर। नेक्स्ट अब आ गया देखो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। तो रेसिप्रोकल आपको पता है, रेसिप्रोकल इधर और इधर चला गया, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ क्या है, सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेसिप्रोकल। तो देखिए कैसे,
ठीक है, तो रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, सेगमेंट इधर से उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या करें इसको, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये इधर आएगा, ये वाले पार्ट को आप यहां पहुंचा दें, ऐसे आ गया, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, क्लियर है। अब देखो दो एग्जांपल आपको दे रखा है, पहले ये आप देख लें, उतार लें, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। अब देखो यहां पर दे रखा है कुछ एग्जाम्पल, तो ये सिर्फ आप इसका एग्जाम्पल याद रखें तो वो आपके लिए काफी है, ज्यादा आगे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो क्रोनिक माइलोइड या क्या है, माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया होता क्या है, ब्लड कैंसर। क्या ब्लड कैंसर को क्या बोलेंगे हम, ल्यूकेमिया बोलेंगे, ठीक है। तो टाइप ऑफ ब्लड कैंसर ड्यू टू रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो है किसके बीच में, क्रोमोसोम नंबर 22 एंड क्रोमोसोम नंबर 9 के बीच में होगा, क्लियर। बस ये ध्यान रखिएगा, आगे बात करते हैं। ये दूसरा क्या है, बार्केट लिम्फोमा, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोजोम 8 and 14, ठीक। चलिए ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, आपको पता होगा ये जो है क्या, इसके बारे में आप एक चीज याद रखिएगा कि ये कहाँ देखा गया था, फिलेडेल्फिया जो यूएस में, ये चीज, ये जो है कहाँ सबसे पहले जो ये देखा गया था वो फिलेडेल्फिया, दैट मीन्स यूएसए में, क्लियर। और क्या है, किसको, इनको फिर हम फिलेडेल्फिया भी बोल देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, यूएसए और वहाँ फिलेडेल्फिया, PHI और यही चीज क्रोमोसोम नंबर 22 को फिलेडेल्फिया क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, ठीक है, ये चीज आइए। और इसको आप डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब आप कहाँ जाएंगे, MBBS में इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन होगा, तो फिर उसके बाद जब फाइनल ईयर में आएंगे तो आप इस चीज को पढ़ेंगे, बार्केट लिम्फोमा। बस किसके बीच में रेसिप्रोकल हो रहा है वो आप ध्यान रखिएगा, आइए नेक्स्ट। अब हम बात कर रहे हैं क्या, जेनोमेटिक म्यूटेशन, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जेनोमेटिक म्यूटेशन, इसको हम डिटेल में बात करेंगे, क्लियर। तो देखो यहां पर क्या है, एनाप्लॉयडी हम बात करना शुरू कर रहे हैं, तो एनाप्लॉयडी क्या होगा, एनाप्लॉयडी, तो देखिए एनाप्लॉयडी बात करें तो लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोजोम एक या एक से ज्यादा, ठीक है, इन अ सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो सेट आपको पता है, जैसे ह्यूमन बात करें तो 2n = 46 बात कर लिया, तो 2n = 46 बात किया, इसका मतलब क्या हो गया, 2n सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 सेट है, डिप्लॉइड कंडीशन, 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम को बता रहा है, क्लियर। आइए तो यहां पर ये होता, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा जा सकता है और पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट लाइन है, ध्यान रखिएगा। तो एनाप्लॉयडी इज ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, ड्यूरिंग एनाफेज, इंपॉर्टेंट, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम्स, ठीक है, एनाफेज किसका,
मियोटिक डिवीजन दैट मींस मियोसिस, इसको और कैसे बोल सकते हैं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस कि वो अलग नहीं हुआ, पूरा का पूरा एक साथ चला गया गैमेट में, क्लियर अकर्स। हाँ, फिर ये किस में होता है, ओल्ड एज फीमेल में, ठीक है। तो अकर्स मेनली इन हाईली एज्ड फीमेल ड्यू टू लेस एक्टिविटी ऑफ ऊसाइट, क्या है ऊसाइट, सो चांसेस ऑफ सिंड्रोम, तो मतलब जो ओल्ड एज फीमेल है उनके जो उनमें प्रेगनेंसी होता है और ऑफस्प्रिंग आते हैं तो उनमें क्या है एनाप्लॉइडी का होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सारे चीज, तो क्या है, सो चांसेस ऑफ सिंड्रोम इंक्रीज इन चिल्ड्रेन हु आर बॉर्न फ्रॉम दी हायर एज्ड फीमेल। तो सवाल पूछा हुआ है क्यों ऐसा, AR में पहले पूछा था, ठीक है, तो आपको ऑप्शन देकर के पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये एनाप्लॉइडी कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, तो कम वाले को बोलेंगे हाइपो एनाप्लॉइडी, ध्यान रखिएगा हाइपो एनाप्लॉइडी, मतलब कम हो रहा है सेट में क्रोमोसोम नंबर, ठीक है, लॉस ऑफ द क्रोमोसोम्स नंबर इन सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्लियर है। तो देखिए अब यहां पर डायरेक्ट ऐसे पूछेगा, मैच दी फॉलोइंग करके भी सवाल दे देता है कि नलीजोमी, कौन सा ऑप्शन नलीजोमी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मोनोजोमी को, कौन सा ऑप्शन ट्राइजोमी, या कौन सा ऑप्शन में से ऐसा है जो किसको मोनोजोमी ट्राइजोमी को रिप्रेजेंट करता है, इस तरह उसमें टर्नर सिंड्रोम दे देगा, डाउन सिंड्रोम दे देगा, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। आइए, तो क्या है नलीजोमी, नल पढ़ते ना जीरो, कुछ नहीं बचा, तो 2n-2, ठीक है, तो इसको आप क्या बोलिएगा नलीजोमी, बोथ क्रोमोजोम पेयर चला जाएगा, मोनोजोमी, मोनो का मतलब वन, एक क्रोमोजोम जा रहा है, ठीक है, क्लियर। जैसे अगर आप बात करें इस तरीके से, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ये एक क्रोमोजोम, ठीक है, तो नलीजोमी क्या होगा अगर ऐसे बात करें, तो पूरा का पूरा ये चला गया, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है नलीजोमी को, ठीक है। अब मोनोजोमी अगर आप बात करें तो मोनोजोमी में देखिएगा, इस तरफ से लिख दें हम, अब ये है, अब यहां से देखो, ठीक है, ये हम डैश डैश लाइन जो है क्रोमोसोम नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पेयर में पेयर में, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मोनोजोमी, ठीक है। अगर यही चीज क्या होता, अब इस तरह से हम बात करें, ये ऐसे कई सारे होंगे, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं, तो यहां से एक चला गया, यहां से चला गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया डबल मोनो जोमी, क्या बोलेंगे डबल मोनोजोमी, क्लियर है। तो देखो मोनोजोमी में 2n-1 लॉस ऑफ वन क्रोमोजोमी ना इन सेट, डबल मोनोजोमी क्या हो गया लॉस ऑफ वन क्रोमोजोम फ्रॉम इच क्या है सेट, ठीक है, क्या बोलेंगे इच सेट, आर नॉन होमोलोगस, होमोलोगस पूरा का पूरा पेयर गया तो नलीजोमी, एक गया पेयर में से तो मोनोजोमी, और एक पेयर में से एक गया और दूसरे पेयर में से एक गया तो उसको आप डबल मोनोजोमी बोलेंगे, क्लियर ये चीज। आइए अब हम बात करें आगे, क्या है देखो हाइपर एनाप्लॉइडी, क्लियर, हाइपर ज्यादा हो रहा है, तो एडिशन ऑफ अ क्रोमोजोम इन सेट ऑफ क्रोमोजोम, ठीक है, तो ट्राई मतलब जनरली तो दो होता है, अब दो से एक ज्यादा हो गया तो तीन हो गया, जैसे ये देखिए ट्राइजोमी लिखा है ना, ऐसे बना दीजिए, अब ये क्या हो गया एक पेयर में एडिशनल आ गया, तो इसको आप क्या बोल देंगे ट्राइजोमी, क्लियर, एडिशन ऑफ वन क्रोमोजोम इन सेट, क्लियर। तो देखो एग्जाम्पल डॉन सिंड्रोम ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है, और ये क्या पेटाउ सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम हो गया, तो ये सारी चीजें सुपर मेल हो गया, और क्या हो गया सुपर
फीमेल, तो इन सबको पूरा आगे डिटेल में हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। तो देखो डाउन सिंड्रोम तो आपके एनसीईआरटी में, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम भी आपके एनसीईआरटी में, ठीक है, और इस यहां पर ये हो गया। फिर उसके बाद मोनोजोमी में क्या हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम, वो आपको आगे मिलेगा। आगे देखिए टेट्रा, हाँ डबल ट्राइजोमी, वही चीज, ये मतलब एक यहां ऐड हुआ एक यहां ऐड हुआ, तो इसको आप बोलेंगे डबल ट्राइजोमी। अब देखिए टेट्राजोमी दैट मीन्स एक ही जगह पे चार आ गए, तो इसको हम बोलेंगे टेट्राजोमी, एडिशन ऑफ टू क्रोमोजोम्स इन वन सेट, एक ही सेट में दो क्रोमोजोम ऐड हो गए। अब मिक्स्ड में क्या हो गया, वेन क्रोमोजोम्स नंबर आर इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज, तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपसे सवाल ये पूछेगा कि बताइए ये 2n है माइनस वन प्लस वन माइनस वन, ठीक है, एक का गेन हुआ और एक का लॉस हो गया, तो बताइए चेंज इन क्रोमोसोम क्या हुआ, रिमेन सेम, ठीक। तो यहां पर क्या हो गया, चेंज इन क्रोमोसोम रिमेन सेम। अब इसी तरह से बोल दे क्या, 2n प्लस 2 माइनस 1, तो अब क्या हुआ, दो ऐड हो गया और एक चेंज हो गया, तो मतलब कम हो गया। चेंज इन क्रोमोसोम तो ये डिफरेंट हो गया, ठीक, तो एक ज्यादा हो गया, क्लियर, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्या, यूप्लॉइडी, ठीक है, तो यूप्लॉइडी क्या है, चेंज इन नंबर ऑफ सेट्स, पूरा का पूरा सेट चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे 2n था तो 2n से 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 5n हो जाएंगे और कई सारे हो जाएंगे, 6n हो जाएंगे। तो देखिए लॉस और एडिशन ऑफ सेट, ठीक है, तो लॉस हो रहा है और एडिशन हो रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सवाल, ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ ऑल क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोटिक डिवीजन, वहां पर क्या था, सम था, यहां पर क्या हो गया, ऑल क्रोमोसोम, कहने का मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट सेट, ठीक है, पूरा सेट चेंज, मोनोप्लॉइडी, ठीक है, तो मतलब 2n माइनस 1, तो मिनिमम तो n होता है, अब 2n से आपने n कर दिया तो बचा n, और तो कम नहीं होगा, ठीक है, 2n माइनस 2n तो नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर तो कोई सेट बचेगा ही नहीं, मिनिमम एक गया, लॉस ऑफ वन सेट, क्लियर है, लॉस ऑफ वन सेट। अब देखिए यहां पर हम आगे बात करें, तो ये क्या है, अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन, इन हेक्साप्लॉइड वीट, अब देखो हेक्साप्लॉइड वीट बोला, इस पे सवाल बनता है, तो हेक्साप्लॉइड 6x कर देंगे, ठीक है, द हैप्लॉइड n एंड द बेसिक x क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स r, आपसे पूछ रहा है कि हैप्लॉइड कंडीशन बताइए और बेसिक नंबर बताइए, क्लियर है, तो ये चीज, तो 6s, तो हेक्साप्लॉइड वीट, तो x इज इक्वल टू क्या होता है, 6s इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा है क्या बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ऑप्शन दे रखा है आपके एंट्रेंस में जो सवाल पूछा है, ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, हेक्साप्लॉइड जो वीट है उसका कितना टोटल क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, 42। तो अब इस चीज को आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 अपॉन 6,
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 7, ठीक। लेकिन ये तो क्या आ गया बेसिक, ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तो फिर क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, तो मतलब n इज इक्वल टू 21, याद रखिएगा n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 21, क्योंकि 42 है तो उसका हाफ सेट क्या होगा 21 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब हमें करना है डिवाइड बाय 2। अगर आपसे क्या पूछा है, हैप्लॉइड पूछा है तो टोटल क्रोमोसोम का डिवाइड बाय 2, अगर बेसिक पूछा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 6s हेक्सा है तो उसको आप जितना क्रोमोसोम है उसके डायरेक्टली डिवाइड कीजिएगा, हेक्सा है तो 6 से और हेप्टा है तो 7 से, पेंटा है तो 5 से, इस तरीके से। तो ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, कंफ्यूजन होता है ध्यान रखिएगा। ये अब देखिए पॉलीप्लॉइडी, एडिशन ऑफ सेट और क्रोमोसोम, वहां पर है ना, हम क्या मोनोप्लॉइडी बोला जहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहां पर क्या है, पॉलीप्लॉइडी, पॉली मींस क्या होता है, मेनी होता है। एडिशन ऑफ सेट और सेट्स ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ क्या है, सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन। अब वो क्या करेगा, ये भी सवाल आपके एंट्रेंस में पूछा है, पॉलीप्लॉइडी मोर ऑफन सीन इन प्लांट, और ये कॉजेटिव एजेंट होता है, ठीक है। पॉलीप्लॉइडी मोर ऑफन सीन इन प्लांट क्यों हो रहा है, क्योंकि फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा कब, टेलोफेज स्टेज के बाद, ठीक है। तो सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, क्लियर। आइए तो आपसे जो पूछेगा पॉलीप्लॉइडी होता क्या है, एडिशन ऑफ ए सेट ऑफ क्रोमोसोम किसकी वजह कर होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस किसके बाद, टेलोफेज स्टेज के बाद, ठीक है। तो और ये किसमें से देखा जाता है, मोर ऑफन सीन इन प्लांट, क्लियर। आइए अब देखिए यहां पर सेट ऑफ क्रोमोसोम डबल हो रहे हैं, ठीक है, जो भी हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पर अब कंडीशन होगा, देखिए पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ जो है क्या है, इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर अगर ऐड हो रहा है, इवन नंबर ऑफ सेट्स, तो वो क्या हो जाएंगे, फर्टाइल होंगे, क्लियर। और जब फर्टाइल होंगे तो उसमें गैमेट बनेगा, तो कैसे, गैमेट बन, गैमेटोजेनेसिस एंड फर्टिलाइजेशन होगा, तो वो क्या बनाएगा, सीड, क्लियर। तो ऐसे फ्रूट कैसे होंगे, विथ सीड होंगे, क्लियर। अब देखिए अगर ऑड नंबर ऐड हो रहा है, ठीक, तो फिर क्या होंगे, वो स्टेराइल, स्टेराइल होंगे तो गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तो गैमेट फ्यूजन भी नहीं होगा, तो वहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्लियर है। तो ये देखिए, और एसेक्सुअली दैट मींस बात करें तो क्या, पार थेनो जेनेसिस, क्या बोलेंगे, पार्थेनोजेनेसिस, ठीक। अब क्या है, तो इससे क्या होंगे, सीड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्लियर। और एग्जांपल याद रखिएगा, बनाना तो बिल्कुल याद रखिएगा, और सीडलेस ग्रेप्स, क्लियर। आइए अब देखो यहां पर आगे आपको एग्जांपल मिलेगा कैसे आप इवन और ऑड बोल रहे हैं। मान लो कि ये क्या था, अगर 2n था, अब यहां पर आपने ऐड कर दिया n, ठीक है, तो फिर ये क्या हो गए, ऑड हो, ऑड हो गए, तो 3n हो गया। यहां पर 2n था, आपने ऐड किया 2n, ठीक है, तो फिर क्या हो गए, इवन हो गए, ठीक। तो चार हो गए ना, चार, क्लियर, इस तरीके से। तो आपको ये आगे मिलेगा फिर आप पूरे एग्जांपल, ठीक। तो ये देखें आप, फिर हम अभी बताते हैं इसमें टाइप, हम बात करें पॉलीप्लॉइडी में टाइप, देखिए क्या होगा, एक हो गया ऑटो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो आपको पता है, ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ, क्या हो गया, सेल्फ। रिपीटेशन ऑफ अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे
ऑटो पॉलीप्लॉयडी, और ऐसे प्लांट कैसे होंगे, स्टेराइल होंगे। अब स्टेराइल होंगे, अभी बताया था गैमेट का प्रोडक्शन नहीं करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमेट, तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। याद रखिएगा एग्जाम्पल क्या है, साइनोडोन एंड रोज। ठीक, आगे देखिए, अब एलो पॉलीप्लॉयडी, इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम जो है साथ साथ में एनसीईआरटी से जो अलग से सवाल आता है वो भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एलो का मतलब होता है क्या, डिफरेंट, ऑटो का मतलब सेल्फ, अपने जैसा, मोर देन वन टाइप ऑफ द सेट आर प्रेजेंट इन दिस प्लांट्स ऑप्टेन। अब देखिए इंटरजेनिक क्रॉस, ठीक है, इंटरजेनिक क्रॉस मतलब जेनिक मतलब जीनस, क्लियर। तो यहां पर देखो ए आ रहा है और बी भी आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, मतलब यहां पर क्लियर इंटरजेनिक। अब यहां पर एक बार सवाल पूछा है आपके एंट्रेंस में, ठीक है, क्या है, कार्पेचेंको नाम के साइंटिस्ट हैं, रशियन साइंटिस्ट, जिन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया है, क्या ये स्पेस नहीं है, ठीक है, एक साथ है कार्पेचेंको, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए आगे हम बात करते हैं, तो यहां पर कैसे, देखो रेफेनस सटाइवा किसका बायोलॉजिकल नेम है, रेडिश, ब्रेसिका ऑलेरेसिया किसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम, कैबेज, ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर क्या हुआ, इस तरीके से हमने डायरेक्ट डायरेक्ट लिखा, यहां देखिए ये जो है इसका जो गैमेट बनेगा तो n इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 9, ठीक, यहां पर जो गैमेट बनेगा वो क्या होगा, n इज इक्वल टू 9, और ये गैमेट जब फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, 2n इज इक्वल टू 18, तो n n ऐड हो रहा है ऑड, तो बोलो क्या हो गया, एस्टेराइल, ठीक है, क्लियर। अब इन दोनों को मिला करके एक नया नाम देंगे, यहां से ले लिया रेफेनो और यहां से ले लिया ब्रेसिका, ठीक है, तो रेफेनो ब्रेसिका एस्टेराइल। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, कॉल्चिसिन, कॉल्चिकम प्लांट है जिसे ऑप्टेन करते हैं, कॉल्चिसिन, ये क्या होता है, डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में सवाल पूछता है सेल साइकिल से, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्या है, पॉइजन टू सेल साइकिल, पॉइजन टू सेल साइकिल, ध्यान रखिएगा, मतलब टेलोफेस के बाद ये साइटोकाइनेसिस नहीं करने देता है, ठीक है, क्या होगा, नो साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलो फेज, क्लियर। तो डायरेक्टली सवाल जो पूछता है कॉल्चिसिन पॉइजन टू द सेल साइकिल, तो देखो 2n से 4n हो गया और 18 से 36, तो अब क्या हो गए, फर्टाइल, तो सवाल ऐसे भी बनेगा, स्टेराइल से फर्टाइल की तरफ लाने के लिए क्या एजेंट यूज करते हैं, कॉल्चिसिन, ठीक है, और है क्या ये कॉल्चिसिन, पॉइजन टू सेल साइकिल, दैट मीन साइटोकाइनेसिस होने नहीं देगा टेलोफेज स्टेज के बाद, ठीक है। रेफेनो ब्रेसिका किसका कॉम्बिनेशन है, क्या है, रेफेनो सटाइव, रेफेनस सटाइव सटाइवस और ब्रेसिका ऑलेरेसिया, ठीक, आगे ये याद रखिएगा, ठीक। अब देखो फिर से वहां पर हम बात करें, याद है ना बेसिक इसका क्या हो जाएगा, एक्स से रिप्रेजेंट कीजिएगा, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या, 36/4, तो एक्स इज इक्वल टू 9 बेसिक, और अगर आपसे पूछे n मतलब हैप्लॉइड तो कितना हो गया बताइए, हैप्लॉइड तो इसका जो बनेगा तो 18 हाफ कर दो, दैट मीन्स डिवाइड बाय 2, क्लियर, तो हैप्लॉइड कंडीशन क्या हो जाएगा, 18, ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल हम बात करें ट्राइटिकम डूरम वीट का, और दूसरा वीट क्या होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम, तो ट्राइटिकम डूरम जो है वो टेट्राप्लॉइड होता है, ट्राइटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड होता है, ठीक है, तो ट्राइटिकम डूरम वीट है
और ये टेट्राप्लॉइड, 4n = 28। और नेक्स्ट क्या है, सीरल्स, ठीक है, सिकल सीरल्स, ठीक है। अब ये राई है, अब 2n = 14 है, अब यहां पर गैमेट बना तो क्या हो गया, 2n = 14 यहां से आ गया, यहां पर n = कितना हो गया, 7। अब ये गैमेट ये फ्यूज करेगा तो इधर से इधर आया तो क्या हो जाएगा, 2n और n क्या हो गया, 3n, और 14 + 7 = 21 हो गया। अब ऑड ऐड हो रहा है तो क्या हो गया, स्टेराइल। अगेन क्या हो गया, सेट ऑफ क्रोमोसोम को डबल करना है तो क्या दे दिया, कॉल्चिसिन, पॉइजन टू द सेल साइकिल। तो ये देखिए क्या बना, ट्राइटिकेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्राइटिकेल। 6n = 42 जो आ रहा है तो वो किसकी वजह कर, ट्राइटिकम डूरम, और मतलब क्या है, टेट्राप्लॉइड वीट और राई के कॉम्बिनेशन से ये चीज। यहां पर भी बेसिक वही हो जाएगा, x = कितना, 7, n = क्या बोल दीजिएगा आप, 21, हैप्लॉइड कंडीशन। अगला ट्राइटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड वीट हो गया, ठीक, ये भी क्या है, ये वीट है और कैसा है, हेक्साप्लॉइड, और ये राई सेम। तो इसमें क्या हो जाएगा, 3n = 21 और ये n = 7, तो कितना हो गया, 4n = 28। अभी भी ऑड ऐड हो रहा है तो फिर से क्या दिया, कॉल्चिसिन और ट्राइटिकेल बना। लेकिन अब ये क्या है, 8n ऑक्टाप्लॉइड बन गया, तो फिर से बेसिक क्या हो जाएगा, अभी भी 7, n क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड कंडीशन, आधा कर दीजिए कितना, 28, क्लियर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे हमारे हैं, तो ये चीज हमने बेसिक ज्यादातर आपको ऑलरेडी बता रखा है, यहां पर डायरेक्ट देखेंगे। यहां से आपको नाम याद रखना है, कैसा है, डोमिनेंट है, रिसेसिव है, क्योंकि ये सब पेडिग्री में आपको हेल्प करेगा, और कुछ कुछ इसके सिम्टम्स हैं जो डायरेक्टली आपके एंट्रेंस में सवाल पूछे जाते हैं। आइए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, डिसऑर्डर अपीयर्स ड्यू टू एनाप्लॉइडी। आप देखिए, अब अगला यहां पर आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल ऑटोसोम डिसऑर्डर, ऑटोसोमल डिसऑर्डर, क्लियर। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो नाम पड़ा वो साइंटिस्ट के नाम के पे बेसिस पर पड़ा, क्या है, लैंगडन डॉन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था, तो अपने नाम पर इन्होंने डिजीज को रख लिया। अब यहां से ये सवाल डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में भी है और पूछेगा, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब आपसे कैरियोटाइप, कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस का नेचर, क्या होगा, न्यूक्लियस का नेचर। तो देखो ये ऑटोसोम है तो मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, ठीक है, तो एक्स एक्स और एक्स वाई में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है सेक्स क्रोमोसोम में, ठीक है, 23rd पेयर में, ठीक। तो देखो ये मेल 2n = 45 + XY, तो यहां पर 21st क्रोमोसोम पे पेयर पे एक और आ गया, ऐसे क्या होता है, नॉर्मल का 44 + XY होता है, अब एक और आ गया, तो ये चीज, ठीक है, तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। फीमेल में, नॉर्मल फीमेल में 2n = 44 + XX, 21st क्रोमोसोम 3 हो गया, तो फिर 45 + XX, ठीक। अब देखिए इसको मंगोलियन इडियोसी बोलते हैं, ठीक, और क्या है मैंगोलियन, आगे रॉन्ड फेस, इनमें सिम्टम कैसा है, कैसा होगा, फेस कैसा दिखेगा, रॉन्ड, और क्या है, ब्रॉड फोरहेड, ठीक है, पहला सा, और फ्लैट होगा, चपटा होगा, और क्या है, रिसीडिंग चिन, चिन अंदर की तरफ होगा, ठीक है, और पार्शियली ओपन माउथ, हल्का सा मुंह खुला होगा, ठीक है, इस तरह से, और जबान बाहर की तरफ निकलता रहेगा, स्लाइवेशन भी होता है, प्रोट्यूड, क्या है, प्रोट्यूडिंग टंग, फ्लैट पाम, ऐसे, ठीक है, और साथ में क्या रहेगा, इस तरीके से हाथ उनका रहता है, ठीक है, पामर ईज कहते हैं, ठीक है, ऐसे बंद रहेगा। फिर उसके बाद देखिए प्रोजेक्टिंग लोअर लिप, ठीक है, इस तरह से ये निकला हुआ रहेगा। अब जो आपको आगे दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछा जा चुका है, एपिकैंथस एब्सेंस ऑफ आई फोल्ड और मंगोलियन टाइप आई फोल्ड बोलते हैं, ठीक है,
जैसे मंगोलियन जो ठीक है, जैसे सेवन सिस्टर है ना, म्यांमार ठीक है, सिक्किम, मणिपाल, गैंगटॉक ठीक है, तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना उसमें इसी तरीके का होता है, तो वैसे ही दिखने लगते हैं। मेंटल रिटार्डेशन होगा ठीक है, और हाइट उनकी कम रहेगी। क्लियर? तो यहाँ से आपको सिर्फ याद रखना 20 ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम और एपिकैन्थस ठीक है। चलिए, और ये क्या होगा, कैरियोटाइप ध्यान रखिएगा, और इनमें जो डेथ होता है ड्यू टू कार्डियो वैस्कुलर डिसऑर्डर ठीक है, तो लिख क्या होगा, डेथ ड्यू टू कार्डियो वैस्कुलर डिसऑर्डर, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा हुआ है और आपके एनसीईआरटी में फिगर में लेबल कर रखा है ठीक है। और क्या है ये, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम डिस्कवर्ड, किसने किया, एडवर्ड ने डिस्कवर्ड किया इसको। और क्या है, ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम और हॉर्सशू शेप्ड किडनी और डबल किडनी और डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम एंड हार्ट होगा। मेंटल क्या है, डिसऑर्डर होंगे ठीक। आगे नेक्स्ट हम बात करें तो क्या है, स्मॉल जॉ होगा, डिफॉर्म्ड ईयर्स, स्मॉल माउथ एंड नोज होगा, फिंगर और क्या है स्टर्नम, ये बोन को कहते हैं जहां से क्या है वेंट्रल साइड से रिब्स अटैच होता है ठीक। और पेल्विस आर वेरी स्मॉल, साइज में स्मॉल होगा। अफेक्टेड पर्सन कीप देयर फिंगर टाइटली क्लेंच, बंद करके ऐसे रखेंगे ठीक है। आइए बस यहां पर सिर्फ आप ये याद रखें, ट्राइजोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। क्लियर? आइए अब हम बात कर रहे हैं पिटाऊ, क्या है, डिस्कवर्ड बाय पिटाऊ, एस नहीं होगा इसको हटा लीजिएगा। ट्राइजोमी बस याद रखिएगा इस तरीके से, बाकी ये चीज आप ध्यान रखें तो ठीक है। बस आपको सिंपल ये याद रखना है, पेडिग्री में हेल्प करेगा पिटाऊ कैसा है ठीक है, और बाकी चीज आ जाइए। क्राइडोचेट पहले भी बात किया था, क्राइडोचेट क्या है, इसमें क्या होता है, हाँ क्या है, बेबी जो है क्राई जब करता है तो वो किस तरीके से, कैट की जैसा ठीक है, तो उनकी आवाज निकलती है। यहां पर डिली हमने किस में पढ़ा था, डिलीशन में इसको पढ़ा था, तो डिलीशन ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5, क्या होगा, डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5। अब देखो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एक बार सवाल पूछा, ये शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म का मतलब क्या हुआ, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ठीक। तो ये देखिए, अब इधर तो ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया। तो अब अगर आप बात करें, ठीक है, तो ये वाले क्या हो गए, शॉर्ट आर्म हो गया ठीक है, और ये क्या हो गया, लॉन्ग आर्म हो गया ठीक है। तो आपसे रिप्रेजेंटेशन पूछ लिया, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, सवाल पूछ लिया क्या है, शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म, तो शॉर्ट आर्म को आप बोलते हैं पी आर्म, क्लियर, और लॉन्ग को क्यू आर्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा ठीक है, शॉर्ट को पी और लॉन्ग को क्यू बोलेंगे ठीक। अब देखिए, अब जैसे ये इसी को दिखाना है हमें, तो हम ऐसे लिख दें, पी क्या रिप्रेजेंट कर दिया, शॉर्ट आर्म, और फाइव क्या रिप्रेजेंट कर दिया, क्रोमोसोम नंबर, क्लियर, क्रोमोसोम नंबर ठीक है। अब एक सिंपल सा हम रिप्रेजेंटेशन आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि क्या लिखा है, क्यू 4 लिखा है और यहां 3 और ये ऐसे लिखा है, तो आपसे पूछ देगा बताओ 4Q36 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है। तो ये जो क्यू हो गया, तो क्यू किसको रिप्रेजेंट कर लिया,
लॉन्ग आर्म को, ठीक है। फोर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ये क्रोमोसोम नंबर, क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। अब क्या है, बैंड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आगे वाले को बैंड, ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, सब बैंड। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, पूछा जा क्या सकता, पूछा है लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट आर्म हो गया, ये लॉन्ग आर्म हो गया, ये आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब क्या हो गया, एलोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक। तो एलोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो है, ठीक, आ जाइए। तो एलोसोम आपको बताया, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं एलोसोम को, क्लियर। तो यहां पर टर्नर सिंड्रोम, ये आपके एनसीईआरटी में है और ये सवाल बन सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको आप जब तक उतारना चाहे तो उतार ले, ये जो बात हमने बताया, सॉरी, हाँ, तो ये जो है ये किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। आइए, टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम जो आप देख रहे हैं वो क्या है, ये तो टर्नर ने किया था। अब यहां से जो सवाल बनेगा ये इंपॉर्टेंट, मोनोजोमी ऑफ 23rd क्रोमोजोम, मोनोजोमी ऑफ 23rd क्रोमोजोम, 2n-1, एक क्रोमोजोम जा रहा है और ये फीमेल में होता है, तो फीमेल में क्या होगा, 40 नॉर्मल फीमेल में 44 प्लस XX होता है, यहां पर लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। तो ऐसे फीमेल क्या होंगे, स्टेराइल, आपके एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, क्या है, स्टेराइल फीमेल, क्योंकि इनकी ओवरी जो होती है रूडिमेंट्री ओवरी तो होगा लेकिन वहां पर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्लियर। तो ये आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए, आप क्या है, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी यहां पे सही से नहीं होगा, तो क्या है, डेवलप अनडेवलप्ड ब्रेस्ट होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द फीमेल आर लेस डेवलप्ड, और वेव्ड नेक, मतलब क्या होगा, यहां पर लाइनिंग होगा, ठीक है, इस तरीके से नेक गर्दन पे। मेंटल, यहां पर कॉमन कर लीजिएगा कॉमा, मेंटल डिसऑर्डर आगे, ठीक है, और एबनॉर्मल जॉ फॉर्मेशन, मैस्कुलिन वॉइस हो जाएगा, दैट मीन्स मेल टाइप वॉइस हो जाएगा, हाइट क्या होगा, 5 फीट से कम होंगे, ठीक है। आगे क्लीन फिल्टर सिंड्रोम बात करें तो ये डॉन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम किसमें था, फीमेल में, लॉस ऑफ 1X क्रोमोसोम, रूडिमेंट्री ओवरी जिसकी वजह कर स्टेराइल हो जाएंगे, और रूडिमेंट्री ओवरी सिर्फ क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होंगे उसके अंदर। अब क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, कुछ लोग इसको लाइन फिल्टर सिंड्रोम के साइलेंट करके भी बोलते हैं, ये किस में होता है, मेल में होता है, यहां पर क्या होगा, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, तो एक आ रहा है ना 23rd में, 2 से 3 हो जा रहा है, तो ट्राइजोमी ऑफ 23rd क्रोमोसोम बोलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, तो कौन सा, ये चीज, तो याद रखिएगा, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन मेल, तो अब देखिए मेल क्या, एक्स क्रोमोसोम फॉर फीमेलनेस, वाई क्रोमोसोम फॉर मेलनेस, ठीक है। तो मेल के अंदर एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, तो मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप्ड हो रहा है, और ये आपके एंट्रेंस में पूछा है गाइनेकोमेस्टिया, ठीक है। तो देखो ऐसे स्टेराइल मेल होंगे, फेमिनाइज्ड मेल मतलब मेल के अंदर फीमेल लाइक कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब वो मेल जो होंगे थोड़ा फीमेल का बिहेवियर उनके अंदर आ जाएगा, क्लियर। हाँ, और क्या है, अनडेवलप्ड टेस्टिस, दैट मींस टेस्टिस डेवलप नहीं होगा, तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन, और क्या है, स्पेयर बॉडी हेयर, ठीक है। एजोस्पर्मिया मतलब अभी बताया स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा और आपके एनसीईआरटी में दे रखा। गाइनेकोमेस्टिया, गाइनेकोमेस्टिया का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, ठीक है, इन प्लेस ऑफ चेस्ट, ठीक है,
दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल, फीमेल लाइक मेमोरी ग्लैंड डेवलप्ड हो जाएगा बट फंक्शन लेस रहेगा. क्लियर? आगे देखिए, फेमाइन वॉइस होगा, आवाज हल्की हो जाएगी. ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, अब देखो लाइन फिल्टर या क्लीन फिल्टर और टनरस सिंड्रोम को क्या मिला करके दोनों को हम क्या बोलते हैं? किन्नर. किन्नर आपने सुना होगा नाम. ठीक है, ये चीज. आइए, इसका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बना है, देख लीजिएगा. अब सुपर मेल जिसको हम जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं और क्रिमिनल सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बिहेवियर जो है इनका क्रिमिनल जैसा होता था. ठीक है, डिस्कवर्ड किसने किया है? ठीक है, हॉस्चिका नाम के साइंटिस्ट हैं और ये ट्राइजोमी ऑफ 23rd, मतलब मेल के अंदर एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम आ रहा है. अब देखो, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोजोम आने से मतलब ये है कि गैमेट के फ्यूजन से कभी नहीं आएगा, डुप्लीकेशन से आएगा. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है. जो एक्स्ट्रा वाई जो आ रहा है ये डुप्लीकेशन. ठीक, क्योंकि मेल में एक ही एक्स होता है और एक वाई होता है, फीमेल में दो एक्स होते हैं. ठीक है, तो कभी भी गैमेट में, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान नॉर्मल हुआ तो उसमें क्या होगा, वाई क्रोमोजोम एक ही आएगा. ठीक है, लेकिन अगर पूरा का पूरा वाई क्रोमोजोम डुप्लीकेट कर गया तो आ गया एडिशनल. ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डबल हो जाएगा. मेल हैव एबनॉर्मल टॉल हाइट, बहुत लंबे दिखेंगे. ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होगा और क्या है, मोर एग्रेसिव देन नॉर्मल. अब एग्रेसिवनेस ज्यादा क्यों है? ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन जो क्या एग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ क्रिमिनल मेंटल, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, मतलब क्रिमिनल टाइप का दिमाग हो जाएगा. ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन, अभी बताया टेस्टोस्टेरोन, और नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन एंड फर्टिलिटी, मतलब ये स्टेराइल नहीं होंगे, फर्टाइल होंगे. क्लियर? आगे देखिए, फिर क्या है, सुपर फीमेल. ठीक है, तो ट्राइजोमी, ट्रिपल एक्स सिंड्रोम बोल देंगे. 23rd मेल में क्या आ जाएगा, फीमेल में एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आएगा, मोर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आ जाएंगे, मेंटली रिटार्ड होंगे. ठीक है, और गुस्से वाली होंगे, और क्या होगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर होंगे. ये भी फर्टाइल होंगे लेकिन इनमें फर्टिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आइए, ये चीज तो इसको आप यहां पर देखें. इसके बाद जो है लास्ट एक है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, वो भी देख लेते हैं. पहले आप देख लें, चलो. तो देखो, यहां तक हमने बात कर लिया था सुपर फीमेल तक. क्लियर? तो यहां पर सिर्फ डायरेक्टली आप कैरियोटाइप याद रखिए. ठीक है, अब देखो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर करके कुछ दे रखा है, वैसे ही हम यहां पर बात कर रहे हैं. ठीक है, क्या है, डिसऑर्डर ड्यू टू जीन म्यूटेशन, डिसऑर्डर ड्यू टू जीन म्यूटेशन. तो यहां पर अब हम देख रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव. मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये सब पेडिग्री एनालिसिस में आपको हेल्प करेगा. तो एग्जांपल तो जरूर याद रखिएगा, कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है, कौन सा ऑटोसोमल डोमिनेंट है और कौन सा क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट है. क्लियर? ये चीज. तो देखो यहां पर अब हम शुरू कर रहे हैं फेनाइल केटोनूरिया से, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आगे बदलता जाएगा. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मतलब मेटाबॉलिज्म में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एंजाइम. अब एंजाइम कहां से, सेंट्रल डोग्मा आपने पढ़ा है, डीएनए, एमआरएनए, फिर क्या, प्रोटीन, मतलब एंजाइम. ठीक है, वो एंजाइम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबोलिज्म को परफॉर्म करने के लिए. तो जीन में क्या आ जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह कर वो एंजाइम का सिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, तो फिर कैरेक्टर में चेंजेस आ जाएंगे. क्लियर? आइए, तो क्या है,
यहां पर देखो पूरा हमने मेटाबॉलिज्म लिखा है, फेनाइल कैटेनूरिया क्या है, फेनाइल कैटेनूरिया। तो फेनाइल कैटेनूरिया देखो यहां पर क्या आ गया, चलो फेनाइल कैटेनूरिया ये क्या है, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा तो वहां पर तीन एरोमेटिक अमाइनो एसिड था, फेनाइल एलेनिन टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफेन, याद रखिएगा तीन बता दिया, आपसे चौथा दे देगा वैलिन और बोलेगा इनमें से कौन सा एरोमेटिक अमाइनो एसिड नहीं है, तो वैलिन, तो तीन है फेनाइल एलेनिन ट्रिप्टोफेन और टायरोसिन, याद रखिएगा ठीक। तो फेनाइल एलेनिन है तो ये क्या बोल दिया, इनबॉर्न मेटाबोलिक डिसऑर्डर, कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन, क्लियर। इसका मतलब देखो अब क्या है, यहां पर हमने कैपिटल पी देखा दिया, एक क्या है डोमिनेंट और स्मॉल पी क्या हो गया रेसेसिव हो गया, तो यहां पर कंडीशन कैसा होगा, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो इस कंडीशन में एंजाइम सिंथेसिस होगा ठीक है, स्मॉल पी में क्या होगा नो एंजाइम, क्लियर। अब इसमें म्यूटेशन हो गया और ये कैसा हो गया, ऐसा हो गया डोमिनेंट रेसेसिव हो गया, तो अब एंजाइम नहीं है। तो देखिए यहां पर कट करें आप स्मॉल पी करें क्या स्मॉल पी क्लियर है, तो फेनाइल एलेनिन स्मॉल पी नो एंजाइम, फेनाइल क्या है फेनाइल केटोन बन गया या फेनाइल पाइरूविक एसिड बना, अब ये जो है किस में जाकर के ब्लड में एक्युमुलेट होने लगेगा और वो किसके वाटर सॉल्युबल है, तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होगा और ये किसके लिए टॉक्सिक है, टॉक्सिक टू न्यूरॉन्स, आपको पता है ब्रेन सेल हो गया और वो क्या करेगा मेंटल रिटार्डेशन दैट मींस इडियट ठीक है, मतलब आईक्यू लेवल कम हो जाएगा क्लियर। तो ये कब था, जब एंजाइम नहीं हु सिंथेसिस हुआ तब, लेकिन जब ऐसा कंडीशन आएगा तो फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह कर फेनाइल एलेनिन को टायरोसिन, इट इज ऑल्सो क्या है अमाइनो एसिड ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें बदला, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, ये क्या हो गया नॉर्मल, लेकिन ये क्या हो गया एबनॉर्मल डिसऑर्डर हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे एंजाइम सिंथेसिस हो रहा था तो नॉर्मली हो गया, यहां पर एंजाइम सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो टायरोसिन नहीं बन रहा, ये सारी चीजें बन गया क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछेगा किस एंजाइम की कमी, आपके एनसीईआरटी में एंजाइम का नाम नहीं दे रखा है, सिर्फ एंजाइम बोला है ठीक है, जो फेनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदलता है उसकी कमी हो जाती है ठीक है, या सिंथेसिस नहीं होता है, तो उसका नाम क्या फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज ठीक। आइए अब ड्यू टू वही बात दोबारा से, ड्यू टू एक्युमुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ फेनाइल एलेनिन फेनाइल या पायरफेनाइल पायरूविक एसिड एंड अदर रिलेटेड कंपाउंड अकर ठीक, जीन फॉर एंजाइम फेनाइल क्या है फेनाइल हाइड्रोक्साइलेज फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज भी बोल सकते हैं या फेनाइल हाइड्रोक्साइलेज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जीन कहां पर पाया जाएगा क्रोमोसोम नंबर 12 पे ठीक है, तो क्या होगा ब्रेन सेल के लिए टॉक्सिक है, तो ब्रेन इंपेयरमेंट होगा रिटार्डेशन हो जाएगा और सेवरल क्या है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन डिक्रीज। अब देखो आगे का सीक्वेंस है ठीक है, फेनाइल एलेनिन टायरोसिन में बदलता है, टायरोसिन आगे जाकर के मेलानिन में बदलता है और मेलानिन स्किन को कलर देता है ठीक है, तो अब यहां पर डार्क कलर देता है
और स्किन को, हेयर को, इन सब को। तो अब यहां पर जब फेनाइलएलानिन से टायरोसिन नहीं बना, तो टायरोसिन से मेलानिन नहीं बन पाएगा, तो फिर स्किन का क्या हो जाएगा, डिक्रीज पिगमेंटेशन ऑफ द हेयर एंड स्किन। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और उनके स्वेट से, यूरिन से, हेयर से कैसा मोजी ऑर्डर स्मेल आने लगेगा। क्लियर। इफ नॉट ट्रीटेड, अगर ट्रीट नहीं हुआ तो 1/3 चिल्ड्रेन आर अनेबल टू वॉक एंड रेस्ट 2/3 क्या होंगे, अनेबल टू टॉक, बात करना नहीं, बात नहीं कर पाएंगे। क्या है, 1/3 चल नहीं पाएंगे और क्या है, 2/3 टॉक नहीं कर पाएंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे हम आते हैं, उससे अब एकदम सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। एल्बिनिज्म, तो देखो इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ये भी है। फेनाइल एलेनिन, अब यहां पर एंजाइम है फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज, याद है ना, कैपिटल पी कैपिटल पी कैपिटल पी स्मॉल पी, ये था एलील का कॉम्बिनेशन, क्या बन गया, टायरोसिन। अब देखिए, अब क्या है, टायरोसिन से क्या, टायरोसिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम हो गया, जो किसमें बदल रहा है, डाइहाइड्रोक्सी फेनाइल एलेनिन में। क्लियर, डाइहाइड्रोक्सी फेनाइल एलेनिन, ये भी क्या है, रिसेसिव। अब यहां पर देखिए क्या है, टायरोसिनेज एंजाइम, जो किसमें बदल रहा है, मेलानिन में। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोवाइड स्किन, हेयर कलर, ठीक है, डार्क कलर। अब यहां पर क्या हो, ये तो क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, देखो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये नॉर्मल कंडीशन, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल। लेकिन अब क्या हुआ, देखिए रेसेसिव आ गया, नो एंजाइम, तो अब मेलानिन नहीं बनेगा। ठीक है, नो मेलानिन, तो फिर क्या होगा, इस बीमारी को हम बोल देंगे एल्बिनिज्म। ऐसे लोग क्या बिल्कुल सफेद सफेद होते हैं। अब इन लोग क्या है, सन के सनलाइट में नहीं आ पाते, क्यों, क्योंकि क्या है, मेलानिन सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो क्या होता है, इचिंग सेंसेशन होने लगता है उनके स्किन में। ठीक है, रेडिएशन। तो ये था। अब देखिए एल्बिनोज लैक क्या है, डार्क पिगमेंट्स, दैट मींस मेलानिन इन देयर स्किन एंड हेयर, और आयरिश, ठीक है, आयरिश का कलर किसकी वजह कर होता है, ये भी सवाल पूछा हुआ है, क्या, मेलानिन प्रोवाइड कलर टू आयरिश। ठीक, अब और इन्हें क्या है, फोटो भी बताया, फोटोफोबिया, लाइट से डर। ठीक है, और क्या है, निस्टेग्मस, ठीक है, मतलब ज्यादा रोशनी में ये आगे नहीं निकलते। जीन, नेक्स्ट हम बात करें क्या है, जीन रिस्पॉन्सिबल। अब वहां पर क्या था, फेनाइल एलेनिन, ठीक है था, तो वहां उसका क्रोमोसोम नंबर 12 पे था, ये क्रोमोसोम नंबर 15 पे है। आगे देखिए, अब ये क्या आ गया, एल कैप्टोनूरिया, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं इसको, और गैरोड नाम के साइंटिस्ट हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। सबसे पहले जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखा था वो एल कैप्टोनूरिया था, किसने देखा था, आर्ची गैरोड नाम के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, आर्ची बेल्ड गैरोड, ठीक, उन्होंने डिस्कवर्ड बाय गैरोड, स्पेलिंग सही कर लिया, ठीक है, गैरोड नाम के, इनको क्या बोलते हैं, गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। आइए फर्स्ट देखिए, आ गया ना, फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अब वही चीज सब सीक्वेंस में चल रहा है, ध्यान रखिएगा, एल कैप्टोनूरिया याद रखिएगा, ब्लैक यूरिन डिजीज बोलते हैं, डिस्कवर्ड किसने किया, गैरोड ने, गैरोड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स बोलते हैं, फर्स्ट इनबॉर्न मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अब हम आगे फेनाइल एलेनिन, यहां देखिए फेनाइल एलेनिन आपने पढ़ लिया, क्या है, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज एंजाइम, फिर टायरोसिन बना, फिर टायरोसिन
ठीक है, अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, इससे नाम नहीं याद रखना आपको, ठीक है, इन सब का, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल हम कैसे याद रखेंगे कि इसके बीच में कुछ होता है, ठीक है, बस, तो आपके सिलेबस का नहीं है। 4-hydroxyphenylpyruvic acid, अब क्या है, डाई ऑक्सीजनेज या ऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि हाँ ये याद रखिएगा क्या है, होमोजेनिस्टिक एसिड, इंपॉर्टेंट, होमोजेनिस्टिक एसिड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीडेज एंजाइम, सिंपल क्या याद रखना, ऑक्सीडेज एंजाइम, अब वो क्या कर रहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, तो फिर ये कंटिन्यू किस में रहेंगे, होमोजेनिस्टिक एसिड में रहेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या होगा, ब्लड में एक्युमुलेट होने लगेगा और यूरिन के थ्रू क्या हो जाएंगे, ये एक्सक्रीट करेंगे और इनको फिर क्या बोल देंगे हम, एलकैप्टोनुरिया, मतलब एलकैप्टोन्स बॉडी है, जो क्या होता है, यूरिन इनका एयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो टर्न्स ब्लैक इन कलर, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज, क्या बोलते हैं, ब्लैक यूरिन डिजीज, क्लियर। तो यहां पर यह चीज क्या होने लगेगा, कंसेंट्रेशन इसका ऐसे बढ़ने लगेगा, क्लियर। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, यहां पर सिर्फ क्या याद रखना है, ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। आगे देखिए, ड्यू टू म्यूटेशन इन एच क्या है, जी डी जीन्स, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक, आइए, होमो फॉर द एंजाइम ऑक्सीडेज याद रखिएगा, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ क्या है, होमोजेनिस्टिक जेनिस्टिक एसिड एलकैप्टोन्स इन कार्टिलेज कैप्सूल ऑफ ज्वाइंट लिगामेंट एंड टेंडम्स, ठीक है, और क्या, हार्ट वॉल प्रेसिपिटेट एज हार्ट वॉल्स, ठीक है, प्रेसिपिटेट एज स्टोन, तो किडनी स्टोन और अदर ऑर्गन में भी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, साथ में हम सारे डिसऑर्डर एक ही साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट ये टेशेक डिसऑर्डर, क्लियर, तो ये भी डायरेक्ट पेडिग्री में एग्जांपल देकर के पूछेगा, डिस्कवर्ड बाई साइंटिस्ट का नाम है, ऑल्सो कॉल्ड इनफेंटाइल एमोरेटिक इडियोसी, ठीक। आगे, ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ स्फिंगोलिपिड इन नर्व सेल, हाँ ये पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, नर्व सेल, तो क्या होगा, डीजनरेशन ऑफ सीएनएस, तो सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कौन आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर। तो चाइल्ड क्या 3 से 4 दिन में मर जाएंगे, क्लियर, डेथ हो जाएगा, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्लियर, ये चीज। आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करें, बस याद रखिएगा, स्फिंगोलिपिड के एक्युमुलेशन होने लगता है नर्व सेल के अंदर, क्लियर। आगे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, गॉचर्स डिजीज ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंजाइम सेरिब्रोसाइडेज। अब देखो, सेरिब्रोसाइडेज एज वर्ड फॉर एंजाइम, मतलब सेरिब्रोसाइड क्या हो गया, सैकराइड हो गया। आगे देखिए, सेरिब्रोसाइड फेल टू ब्रेक डाउन एंड एक्युमुलेट इन द बॉडी टिश्यू एंड ब्लड, ठीक है, तो सेरिब्रोसाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ब्रेन शुगर, ये भी याद रखिएगा, सेरिब्रोसाइड को आप क्या बोलते हैं, ब्रेन शुगर बोलते हैं, तो फिर क्या होगा, इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड लीवर, लीवर, लीवर को क्या बोलते हैं, केमिकल फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, लीवर डैमेज तो बहुत प्रॉब्लम, ठीक। आइए, अब क्या, एक्सपेंशन ऑफ सम ऑफ द लिम्स बोन्स, सम लिम्ब बोन्स एक्सपेंड, हाँ अब आ गए, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी देखिए, सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, आपके एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे रखा है और आपसे सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, ठीक। अब ये क्रोमोजोम नंबर 11 पे इसका जीन पाया जाता है, ठीक है, क्या पॉइंट म्यूटेशन क्यों बोला, क्योंकि एक न्यूक्लियोटाइड में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। देखिए,
इसको सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन में पॉइंट, अ जीन म्यूटेशन कॉज्ड सिक्स्थ पोजीशन, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है, बीटा चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, मतलब ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाता है, वैलिन। तो देखिए एच बी ए एलील क्या है, ये नॉर्मल एलील है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हेमोग्लोबिन, और ये क्या है, म्यूटेंट एलील बोल दीजिए, ठीक है, और ये नॉर्मल एलील, क्लियर है। तो ये सिकल सेल टाइप पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ हेमोग्लोबिन बनाएगा। अब देखिए यहां पर ये जो दे रखा है, डीएनए से एमआरएनए, अब यहां पर कर दे क्या प्रोटीन, तो ये पूरा सेंट्रल डोगमा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, सॉरी तो ये क्या है, डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन, क्लियर है। तो सेंट्रल डॉगमा, अब देखिए ये क्या हो गया, डीएनए लिखा ना थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम, हम पार्टिकुलर ले रहे हैं, और ये क्या हो गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, तो टेम्पलेट कौन होता है, आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा, थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता है वो एमआरएनए, ये क्या हो गया फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, या डायरेक्टली जो है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम की जगह वैसा ही नया बना दीजिए, बस एडेनी ये थायमीन की जगह यूरासिल लिखना पड़ता है एमआरएनए में, ठीक है। ये तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ठीक है, एंड दिस इज जेनेटिक कोड, ट्रिपलेट होता है, पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, तो किसको कोड कर रहा है, जीएलयू का मतलब ग्लूटामिक एसिड, तो ये नॉर्मल कंडीशन हो गया, क्लियर, नॉर्मल। अब देखिए यहां पर जीन म्यूटेशन लिखा है ना, सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन, अब देखिए क्या हुआ, सी की जगह सी है, और क्या है टी की जगह यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, टी की जगह क्या आ गया, ए। अब देखो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का मतलब थायमीन, लेकिन यहां पर क्या होगा यू, क्या बोलेंगे यू, यू का मतलब यूरासिल, क्योंकि यही तो डिफरेंस है डीएनए और आरएनए में, ठीक है, डीएनए में थायमीन होता है और आरएनए में उसकी जगह यूरासिल होता है, फाइव मिथाइल यूरासिल को क्या बोलते हैं, थायमीन, याद रखिएगा फाइव मिथाइल यूरासिल, आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, इसको क्या बोलिएगा, थायमीन, ठीक है। आइए तो यहां पर अब जीयूजी कोड फॉर क्या, वीएल, वेल मतलब वैलिन, ठीक है, वैलिन याद रखिएगा, यहां पर जीएलयू था ग्लूटामिक एसिड, तो इसकी जगह अब वैलिन, तो सब्स्टिट्यूट हो गया ना, कौन ग्लूटामिक की जगह वैलिन आ गया, तो ये चीज, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल हेमोग्लोबिन नहीं बनाएगा, सिकल सेल, क्लियर, बस ये ध्यान रखिएगा, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो आरबीसी बिकम सिकल, सिकल शेप्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, O2 deficiency at high altitude and heavy exercise, ठीक है, तो spleen and brain great damage, क्योंकि air supply कम, oxygen supply कम, तो क्या हो जाएगा, death of cell होने लगेगा, necrosis, blood circulation and O2 supply are disturbed, जिसकी वजह कर patient feel acute weakness, क्योंकि क्या होगा, यहां पर 38 और 36 ATP बनना था, वहां पर क्या बनने लगेगा, 2 ATP, क्लियर, एनारोबिक कंडीशन आने लगेगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या है थैलेसेमिया। अब देखो थैलेसेमिया
जो है ये भी अ टाइप ऑफ सिकल सेल एनीमिया ही बोलेंगे, लेकिन क्वांटिटेटिव, ठीक है। देखो क्या है, ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर बिकॉज द पर्टिकुलर अल्फा बीटा चेन आर नॉट सिंथेसाइज्ड प्रॉपरली, ठीक है। ये कहां देखा जाता है, मेडिटेरियन रीजन में, मिडिल ईस्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट अफ्रीका में, ठीक। और ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डिलेशन टाइप म्यूटेशन, क्लियर, डिलेशन टाइप। अब यहां पर समझिएगा, फॉर नॉर्मल हेमोग्लोबिन, नॉर्मल हेमोग्लोबिन बात करें, वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन में क्या, टू अल्फा टू बीटा चेन होता है, टू अल्फा टू बीटा चेन, क्लियर। अल्फा चेन के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर CHR का मतलब क्रोमोसोम नंबर किस पे, 16 पे पाया जाएगा, ठीक है। बीटा चेन के लिए जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 11 पे पाया जाएगा, ठीक है। वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हेमोग्लोबिन में टू अल्फा चेन टू बीटा चेन, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक। अब देखो क्लियर, अब यहां से आगे हम बढ़ रहे हैं, अगर हमें क्या बनाना है, 100 मॉलिक्यूल्स हेमोग्लोबिन बनाना है तो हमें क्या होना चाहिए, 1 के लिए 2 अल्फा 2 बीटा, तो 100 के लिए 200 अल्फा चेन और 200 बीटा चेन। दैट मींस ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन, क्लियर। अब इसी चीज को आगे देखिए, अब क्या हो रहा है, कैसे डिफेक्ट आ रहा है, किस कब हम अल्फा थैलेसेमिया बोलेंगे और कब बीटा थैलेसेमिया। देखो ये हेमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि यहां पर क्या आ गया, क्रोमोसोम नंबर 16 पे जो जीन था वो अल्फा चेन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, वन मॉलिक्यूल्स हेमोग्लोबिन बनाने के लिए टू अल्फा चाहिए था, और क्या है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो जीन है वो क्या बीटा चेन बना रहा है, वन मॉलिक्यूल्स हेमोग्लोबिन बनाने के लिए दो बीटा चाहिए था, ठीक। लेकिन अब यहां पर क्या बना, 50 अल्फा बना चेन, और ये नॉर्मल है तो 200। तो देखो यहां पर तो बीटा 200 बन गया लेकिन अल्फा 50 बना, तो अब जो हेमोग्लोबिन नंबर आप डिसाइड करेंगे वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे या इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, जो कम वाला है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। तो एक में चाहिए दो, तो फिर क्या यहां से क्या करेंगे, 25 25 यहां 25 यहां, क्लियर। मतलब यहां से ऐसे देखिए, 25 into 2 अल्फा, फिर यहां से लिखिएगा 25 into 2 बीटा, ये किसके लिए था, वन हेमोग्लोबिन के लिए, तो मल्टीप्लाई बाई आप क्या करेंगे, 25, क्लियर। तो आपका कितना बना, 25 हेमोग्लोबिन, क्लियर, 25 हेमोग्लोबिन, क्लियर। तो देखो, तो इसको आप क्या बोल देंगे, अल्फा थैलेसेमिया, क्या बोल देंगे, अल्फा थैलेसेमिया, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, अब देखिए क्या है, यहां से क्या ये चीज हुआ, तो फिर से वही बात, और यहां देखो तो क्या हो गया, सेम सेम, 25 into 2 बीटा, तो यहां से भी आपको 25 into 2 अल्फा लेना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हेमोग्लोबिन हो जाएगा, तो फिर ये कैसा टाइप, एडिशन, कम कौन है, बीटा टाइप, तो बीटा थैलेसेमिया बोल दिया। अब देखो अल्फा में भी बीटा बच गया था, बीटा में अल्फा बच गया थैलेसेमिया, तो क्या है, एक्सेस चेन आइदर अल्फा और बीटा कॉज प्रॉब्लम बाय हेमोलाइसिस, हेमोलाइसिस मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, आरबीसी रप्चर होने लगेगा, तो फिर क्या होगा, सीवियर अनेमिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीवियर अनेमिया, क्लियर। ध्यान रखिएगा कैसे, तो देखो अल्फा, अब उसी चीज को दोबारा से हम बात कर ले रहे हैं, अल्फा थैलेसेमिया, अल्फा चेन फॉर्म्ड बाय द टू जीन्स, मतलब टू जीन्स, तो एक जीन का दो एलील होता है, तो यहां पर दो है तो चार हो गया, ठीक है। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 बताया था, तो जीन ए और बी है, इसका एलील कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया और इसका कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया। अगर क्या है, सारे के सारे
वन एलील अगर डिफेक्टिव है तो बाकी सब कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल। टू एलील अगर डिफेक्टिव है तब भी कोई क्या है सिग्निफिकेंट फीचर नहीं दिखेगा, सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, दैट मीन्स माइनर थैलेसेमिया बोलेंगे, ठीक है। और अगर क्या है तीन एलील, चार में से तीन अगर क्या हो गया डिफेक्टिव हो गया तो क्या रियल सिम्टम्स अपीयर होगा, मतलब सीवियर एनीमिया, हेमोलाइसिस होगा और जॉन्डिस हो जाएगा और क्या है, ठीक है, जॉन्डिस, चांसेस ऑफ डेथ होने लगेगा और क्या सीवियर, मतलब डेथ होने का चांसेस इंक्रीज। आप देखिए वही चीज इसे दे रखा है, अगर पूरा का पूरा क्या हो गया चार एलील डिफेक्टिव हो गया तो फिर क्या है हेमोग्लोबिन बनेगा ही नहीं, तो ये फीटस मतलब इम्ब्रियोनिक लाइफ में ही क्या हो जाएंगे फीटस का डेथ हो जाएगा, ठीक है। तीन तक तो क्या होगा बर्थ होगा, उसके बाद डिफेक्ट आएगा। तो डिक्रीज और नो सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन इज अंडर कंट्रोल ऑफ टू जीन्स, मतलब फोर एलील लोकेटेड ऑन 16 क्रोमोसोम, वही सब है लैंग्वेज है हम आपको बता रहे। सीवियरिटी ऑफ अल्फा थैलेसीमिया डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एलील्स विच आर डिफेक्टिव बिकॉज ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव, अभी ऊपर बताया था एक दो तीन तक डिफेक्टिव रहेगा तो सिंथेसिस होगा लेकिन कम होगा, लेकिन पूरा का पूरा अगर डिफेक्टिव हो गया तो हेमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा इफ टू, ठीक। आगे देखिए वही सब बात लिखा है, अब बीटा थैलेसेमिया देख लीजिए, ठीक। तो बीटा थैलेसेमिया मतलब बीटा चेन इज अंडर कंट्रोल ऑफ क्रोमोसोम नंबर, कि जिसका एलील क्रोमोसोम 11 में पाया जा रहा था डिक्रीज हो जाएगा, वही इसको हम ऐसे बोल देंगे बीटा पॉजिटिव या बीटा थैलेसेमिया, ठीक है। और क्या है इफ वन एलील इज डिफेक्टिव तो फिर क्या होगा इस तरीके से। अब देखो ये थोड़ा सा यहां पर ये चीज दे रखा है आपको, क्या है थैलेसेमिया डेल्टा, ठीक है। तो 97% जो होता है वो क्या होता है HbA होते हैं, ठीक है, और मतलब दो अल्फा दो बीटा, लेकिन रिमेनिंग 2-3% जो है क्या है वो सिकल शेप्ड हो, सिकल ऐसा हो जाता है एलील, ठीक है। तो उसकी वजह 2α2β होगा, तो इसका आपने पढ़ा था इनका जीन क्या क्रोमोसोम नंबर 11 में होगा और ये डिफेक्टिव होंगे, जिसके वजह कर क्या है फेनोटाइपिकली नॉर्मल होंगे लेकिन 2α2β हो जाएंगे और क्या होगा अवेलेबल नॉर्मल हेमोग्लोबिन, क्लियर। आइए बस इसमें ये ध्यान रखना है ये चीज, ये आप देख ले फिर अभी भी बात कर, चलिए देख लें आप फिर बताते हैं। चलो तो देखो अगला हम बात कर रहे हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो ऑलरेडी हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस देखो क्या है, म्यूटेशन इन ए जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर क्या है 7, ठीक है। अब यहां पर सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता क्या है कि इसका जो जीन है, जीन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन क्या है CFTR, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, क्लियर है। अब ये किसको रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट म्यूकस के सिक्रीशन को, अगर इसमें क्या हो गया म्यूटेशन हो गया तो CFTR प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, जब CFTR प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो म्यूकस का सिक्रीशन रेगुलेट नहीं होगा, उसकी वजह कर क्या है एक्सेस म्यूकस सिक्रीट होने लगेगा और उसकी वजह कर फिर क्या होगा अल्कलाइन कंडीशन आ जाएगा, तो वहां पर एल्वियोलाई में लंग्स में क्या है म्यूकस एक्युमुलेट हो जाएगा, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो गया और क्या GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है, क्या है बकल कैविटी में अलग क्या होता है पीएच रिक्वायर्ड होता है, स्टमक में अलग पीएच रिक्वायर्ड होता है और क्या इंटेस्टाइन में अलग पीएच रिक्वायर्ड होता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। पेनक्रिएटिक जूस के सिक्रीशन जो होते हैं पेनक्रियास का सिक्रीशन पेनक्रिएटिक जूस, उनका फंक्शन क्या होगा डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। तो देखिए क्या लिखा है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रोड्यूस एबनॉर्मल सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन और नो CFTR प्रोटीन ऑल एट ऑल विच कॉज बॉडी टू मेक थिक स्टिकी म्यूकस, क्या है मेक थिक स्टिकी म्यूकस, तो कैसा ऑफ द थिन वाटरी फ्लूइड उनकी जगह, मोर म्यूकस इंटरफेयर विद द एबनॉर्मल फंक्शन विद इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेवरल एक्सोक्राइन
ग्लैंड इंक्लूडिंग दोज इन द स्किन हो गया, लंग्स हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास, ठीक है। तो टू ऑर्गेन्स, हाँ ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, टू ऑर्गेन सबसे ज्यादा जो दो ऑर्गेन अफेक्टेड होता है वो कौन है, लंग्स है और पेनक्रियाज है, ठीक है। अब देखो ये दो नाम है, ठीक है, विल्सन, क्लियर है ना, ध्यान रखिएगा, विल्सन्स डिजीज है, एक्युमुलेशन ऑफ कॉपर इन द लीवर, ब्रेन एंड आई, और क्या है, एनाफेनेथेलमिया, तो क्या है, आईज आर एब्सेंट सिंस बर्थ, पैदाइश के साथ आंख नहीं होते हैं, क्लियर। आगे देखिए, नेक्स्ट बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन, बस नाम याद रखिएगा, क्या है, मायोटोनिक, क्या, डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक, मसल फेल टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देगा, और क्या है, न्यूरो फाइब्रोमेटोसिस, ठीक है। तो ट्यूमर लाइक ग्रोथ ओवर दी बॉडी, आइए नेक्स्ट, हाँ इस पे आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कैसे, पेडिग्री एनालिसिस, ये पेरेंट्स, फादर ये हैं, मदर ये है, उनके ऑफिस प्रिंग ये, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा पेडिग्री सूट कर रहा है, तो डिजीज का नाम दे रखा था फेनाइल, ये ऑब्लिक नहीं है, ठीक है, थायो कार्बामाइड जिसको पीटीसी बोलते हैं, और पेपर टेस्टिंग, क्या है, पेपर टेस्टिंग, और ब्रैकिडेक्टाइली जो क्या, प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मल शॉर्ट फिंगर हो गया, पॉलीडेक्टाइली प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा, क्या है, फिंगर और टोज, आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा, एक्स्ट्रा थंब है, ठीक है। आइए, क्रॉन ऑफ टेथ डिस्ट्रॉय होने लगेगा, ठीक है, और वुली हेयर, ठीक, और डेंस मतलब पूरे बॉडी में डेंस हेयर ऑल ओवर द बॉडी, जैसे अनिल कपूर, ठीक है। आइए, और क्या है, एकोंड्रोप्लेजिया, एकोंड्रोप्लेजिया अ फॉर्म ऑफ ड्वार्फिज्म इन विच द लॉन्ग बोन्स डू नॉट ग्रो, ग्रो नहीं कर पाएगा, बस नाम याद रखना है, इंटेलेक्ट इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है, बाकी चीज, और क्या है, एनीरिडिया, एनीरिडिया क्या है, एब्सेंस ऑफ आयरिस, बस इनका नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं करना है। चलिए, हंटिंगटन कोरिया से भी रिलेटेड आपके एंट्रेंस में पेडिग्री एनालिसिस पर सवाल पूछा, इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि पेडिग्री एनालिसिस आपको याद रखना है, ये ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट, देखो ऊपर लिखा था क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट हंटिंगटन कोरिया, तो इनका क्या है, म्यूटेशन इन जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है। मसल मेंटल क्या है, डेट्रियोरेशन मतलब डिफॉर्मिटीज, प्रोड्यूस एंड इनहिबिटर ऑफ ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 15 to 40, ऑनसेट ऑफ सिंड्रोम्स सिम्टम्स बट स्टिल अकर इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में भी, ठीक है। एट्रोफी ऑफ ब्रेन रिजल्टिंग इन रेस्पायरेटरी इरेगुलरिटी, ध्यान रखिएगा, रेस्पायरेटरी इरेगुलरिटी और शेकिंग ऑफ बॉडी ड्यू टू क्या है, ग्रेजुअल लॉस ऑफ द मोटर सिग्नलिंग, जैसे से हिलने लगेगा, क्लियर है, ध्यान रहेगा। आगे चलिए बात करते हैं, तो देखो ये चीज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा क्या होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, तो ये चीज हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, चीज आप देख लें, बाकी हम यहां पर देखो, यहां पर पूरा म्यूटेशन कंप्लीट हुआ, तो म्यूटेशन हमने जो आपको जो टाइम हमें लगा है, तो उसका रीजन ये है कि म्यूटेशन हमने क्या, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में जितने म्यूटेशन आते हैं, इवोल्यूशन में जितने म्यूटेशन आते हैं, और बाकी क्या है, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो आते हैं वो सब हमने यहीं पर बात कर लिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और जहां जहां इंपॉर्टेंट आपको बताया है, जहां जहां हमने अंडरलाइन किया उसको आपको ध्यान में रखना है, और उसके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद हम पढ़ेंगे क्या है, पेडिग्री एनालिसिस, वहां पर ये चीज बहुत आपको काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ओके, थैंक यू।